हेलो, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं लतिका जुड़ी हूँ आज के इस सामुदायिक सम्मेलन के तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। आप में से जो भी लोग जो लोकल स्क्रीनिंग से जुड़े हुए हैं वो अपने नाम के पीछे एलएस लिखते हैं ताकि आपको जोड़ पाए पैनलिस्ट के लिए। और जो फैसिलिटेटर हैं वो जुड़ गए हैं तो वो भी अपना रेज हैंड करें ताकि वो भी पैनलिस्ट बना सकें। हम कुछ देर रुकेंगे ताकि कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाए। भवानी शंकर जी, कृपया जो पैनलिस्ट का रिक्वेस्ट आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए ताकि आपको हम प्रमोट कर सके पैनलिस्ट में। हाँ, हेलो। अब हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। हम सत्र की शुरुआत करने से पहले हम इस सामुदायिक सम्मेलन के दूसरे
दिन की ओर लेके जाते हैं कि कल हमारे साथ में कौन कौन से प्रतिभागी जुड़े थे और उन्होंने जो इस सत्र के लेके जो कहानियां सुनाई हैं उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जो अभी टेक्निकल टीम आपके साथ शेयर करेंगे और उसको हम देखते हैं कि कल हमारी क्या चर्चा हुई और क्या बातचीत हुई। आप सभी का फिर से स्वागत है इस सामुदायिक सम्मेलन के तीसरे दिवस के पहले सत्र के अंदर। तो आज हमारे साथ जो प्रतिभागी जुड़ेंगे उनका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। उससे पहले हम आज के विषय के ऊपर बातचीत करते हैं कि आज का हमारा विषय है कॉमन्स एंड जेंडर। तो इस सत्र की शुरुआत करते हैं उससे पहले ये है कि हमारा जीवन जल जंगल जीवन और प्रकृति से काफी जुड़ा हुआ है, पर आज विकासशील देश होते हुए कहीं ना कहीं ये विकासशील देश बनाते बनाते कहीं ना कहीं हम उसको नुकसान भी पहुंचा देते हैं, पर इस पूरे प्रकृति को सहेज कर समेट कर रखने के अंदर महिलाओं का काफी योगदान है। और आज हम इस पैनल के थ्रू उन सभी महिलाओं का हम उन सभी महिलाओं का उस ना ही हमारे देश की हम विदेश की सभी विश्व की महिलाओं का आज यहाँ पे सम्मान करते हैं कि उन्होंने इस प्रकृति को इस जंगल जल जंगल जमीन को बचा के रखा है, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और उसी के साथ हम आगे शुरुआत करते हैं कि आज के हमारे जो प्रतिभागी हैं वो हमसे जुड़ेंगे। कुंजन जी हैं जो गुजरात से हैं और उसको जो फैसिलिट करेंगे वो मनाया जी हैं। साथ ही उसी के आगे सुलक्षणा जी हैं जो हमारे साथ उड़ीसा से जुड़ेंगे और उन्हें फैसिलिटेट करेंगे कार्तिक जी, और उसी के आगे राजस्थान से भवानी शंकर जुड़ेंगे जिसे फैसिलिटेट करेंगे उमेश जी, और उसी के आगे अंजना जी जुड़ेंगे मध्य प्रदेश से जिसे फैसिलिटेट करेंगे कीर्तन जी, और इसी के आगे हम अगर कुंजन जी जुड़ गए हैं इस सत्र के अंदर तब उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी सफलता की कहानी क्या है, और वो हमें बताएंगे कि उन्होंने कैसे एक महिलाओं को जोड़ के कैसे उस पे आगे चित काम करके महिलाओं को एकत्रित करके और एक घास लैंड को कैसे उर्वरक बनाया और उसे एक इस तरह कहानी का रूप दिया है कि लोग उससे प्रेरित होकर उसी की तरह काम कर पाए।
मन्या जी जुड़ गए हैं क्या? हाँ जी मैं यही हूँ। नमस्ते, आपका स्वागत है। आप आपकी सफलता की कहानी बता सकते हैं? हम कुजन के आने का वेट करेंगे। जी। एक्चुअली जो कुजन है वो सौराष्ट्र से सुरेंद्र नगर से जुड़े हैं और मैं यहाँ भुज से जुड़ी हूँ। तो आप जो मलाइका जी है ना उनको एक पैनल रिक्वेस्ट एक बार और भेज दीजिए, उनका मैसेज आया है सर। હું રૂબારીની દીકરી છું અને માલધારીઓ સાથે કામ કરતી સહજીવન સંસ્થામાં કામ કરું છું। પ્રેઝન્ટેશન આપ શેર કરોગે કે અમે શેર કરવા પડેગા? હેલો लतिका जी जी, वो ये पूछ रहे हैं कि प्रेजेंटेशन आप शेयर करोगे या वो वहां से शेयर प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन टेक्निकल टीम शेयर करेगी। अच्छा, तो आप प्लीज बोल लेना कि स्टार्ट कब करना है हमें। आप स्टार्ट कीजिए, साथ में प्रेजेंटेशन शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा प्रेजेंटेशन? हाँ, दिखाई दे रहा है। मैं अब आप शुरू कर सकते हैं। मारू नाम पूजन कलोत्रा छे, हूँ मालधारी ની દીકરી છું અને માલધારીઓ સાથે કામ કરતી સહજીવન સંસ્થામાં કામ કરું છું। માલધારી બહેનો જે માઇગ્રેશન કરે છે તે બહેનોના પ્રશ્નો અને તેમની સમસ્યાઓને લઈને અમે કામ કરીએ છીએ અને તેમની આજીવિકા સાથે હું કામ કરું છું અને જૈવ વિવિધતા સાથે જોડાયેલી બહેનો સાથે જૈવ વિવિધતા સાથે જોડાયેલી બહેનો સાથે પણ હું કામ કરું છું। સ્લાઇડ ચેન્જ હો સકતા નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કીજીએ। નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ અમારા વિસ્તારમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પીછે જઈએ, એક સ્લાઇડ દૂસરી પીછે સ્લાઇડ જઈએ, સેકન્ડ સ્લાઇડ। સેકન્ડ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ। નેક્સ્ટ સ્લાઇડ। હા બસ ઠીક છે। અમારા સુરેન્દ્રનગર વિસ્તારના ગૌચર અને ઘાસિયા વિસ્તારમાં જોઈએ તો શિયાળા ઉનાળા અને ચોમાસાની ઋતુમાં પહેલા સમયસર ચોમાસામાં વરસાદ આવતો હતો, શિયાળામાં ઠંડી ઉનાળામાં તડકો, પરંતુ ઘણા એવા ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને પ્રદૂષણના કારણે વરસાદ નિયમિત આવતો નથી, જેના કારણે ઘાસિયા જમીન અને ગૌચર જમીનમાં ઘણું બધું જે પહેલા ઘાસ જોવા મળતા હતા, વન્યજીવો જોવા મળતા હતા, જે હવે નથી જોવા મળતા, કારણ કે પ્રાણીઓને પણ સમયસર પોતાનો ખોરાક જોઈએ છે તો એ એમને મળતો નથી, અને જે માલધારીઓ છે એ માલધારીઓ પણ પોતાનો માલ ઘાસિયા જમીનમાં લઈ જાય છે તો વરસાદના કારણે, અનિયમિત વરસાદના કારણે તેઓને પોતાનો માલ સાચવવા માટે પોતાનું ગામ છોડીને બીજે જવું પડે છે, જેથી તેઓ પોતાનો માલ, પોતાનું ઘર અને ગામ છોડીને માલ અને માલને સાચવવા માટે પોતાના ગામમાંથી બીજા ગામમાં જાય છે, અને ઘણા વન્ય જીવો પણ જે રીતે પહેલા જંગલમાં રહેતા હતા વધારે પ્રમાણમાં, જેમ કે હરણ, શિયાળ, નાર, દીપડા, લોકડી, જંગલી બિલાડી, જરખ, જે હવે પહેલા જેવા જોવા મળતા હતા તે અત્યારે જોવા મળતા નથી। નેક્સ્ટ સ્લાઇડ
ઘણા ભાઈઓ ઘરની બહાર નીકળતા હોય છે તો એ લોકોને એવું લાગતું હોય કે તેઓ ઘરની બહાર નીકળે છે તો તેમને જૈવિકતા તેમજ વન્યજીવોનું વધારે જ્ઞાન હોય છે, પરંતુ ઘણી વખત પરંતુ એવું નથી હોતું. બહેનોને પણ વન્યજીવો અને જૈવિકતાનું જ્ઞાન હોય છે, જેથી જે બહેનોનું જ્ઞાન બહાર લાવવા માટે હું બહેનો સાથે કામ કરતી અને બહેનો વન્યજીવ સાથે કઈ રીતે જોડાય છે તે અંગે જાણકારી મેળવી છે અમે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. બહેનો પણ કુદરત સાથે જોડાયેલી હોય છે, તેઓ જંગલમાં લાકડા લેવા માટે જાય છે, ઘાસિયા જમીન કે ગૌચરમાં ચોમાસાની ઋતુમાં જે શાકભાજી જે ફળ થાય છે એ લેવા માટે પણ તેઓ ઘાસિયા જમીનમાં કે ગૌચર જમીનમાં જાય છે. ભાઈઓ માલ લઈને ગાય ભેંસ ઘેટા બકરાને લઈને ચરાવવા માટે જાય છે, પરંતુ ઘણી વખત બહેનો પણ પોતાના ગાય ભેંસ ઘેટા બકરા લઈને ચરાવવા માટે જાય છે, તો તેમનું પણ કુદરત સાથે સીધું કનેક્શન છે. બહેનો પણ ઘાસિયા જમીનમાં શાકભાજી લાકડા લેવા માટે તલાવમાં પાણી ભરવા માટે એ રીતે જતા હોય છે, તો બહેનો પણ કુદરત સાથે કનેક્ટેડ છે. નેક્સ્ટ લે. બહેનોનું જ્ઞાન બહાર લાવવા માટે મેં બહેનો સાથે ઘણા સંશોધનના કામ કરેલા છે. વન્યજીવોને સાથે બહેનો કઈ રીતના કનેક્ટેડ છે, બહેનો કેટલા વન્યજીવોને ઓળખે છે, તેઓ ઘાસિયા જમીનમાં ઘાસનું સંરક્ષણ કઈ રીતે કરે છે, તેઓ ઘાસિયા જમીન કે ગૌચરનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરે છે, તેની માટે અમે બહેનો સાથે મેં ઇન્ટરવ્યુ પણ લીધા અને ફોકસ ગ્રુપ ડિસ્કશન પણ કરેલા, જેમાં બહેનો ઘાસિયા જમીનમાં બહેનો ઘણી વખત પોતાનો માલ લઈને ચરાવવા માટે જતા હોય છે, શાકભાજી લેવા માટે જાય છે, ફળ લેવા માટે જાય છે કે લાકડા લેવા માટે, એ રીતના પણ કનેક્શન હોય છે. અને બહેનો વન્યજીવોને પણ ઓળખે છે અને એની સાથે પણ એમનું કનેક્શન હોય છે, તો એનું જ્ઞાન પણ બહેનો પાસે હોય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. બહેનો ગૌચર જમીનમાં કે ઘાસિયા મેદાનમાં જાય છે તો બહેનો ઘણા એવા શાકભાજી હોય છે જે મોસમ પ્રમાણે ગૌચર જમીનમાં કે ઘાસિયા મેદાનમાં જંગલોમાં થતા હોય છે તો બહેનો લાવે છે, જેમ કે ચોમાસાની ઋતુમાં કંકોડા, કલીમલી, ફાંગ વગેરે જેવા શાકભાજીઓ લાવે છે અને પોતાના ઘરે એનું શાક પણ બનાવે છે. આ ઉપરાંત ઘણી એવી ઔષધિઓ પણ બહેનો લાવે છે, જેમ કે ગળો છે તો એનો વેલો થાય છે તો એને કોઈ પણ એનો ઉપયોગ ઔષધિ માટે કરે છે, જેમ કે શરદી ઉધરસ કોઈને થાય છે તો એનો ગળાનો ઉકાળો બનાવીને પોતાના ઔષધિ માટે ઉપયોગમાં લેતા હોય છે, લીમડાની અંતરછાલ કાઢીને એનો ઉકાળો બનાવીને તેઓ વાપરતા હોય છે. આ રીતે ઘણી એવી ઔષધિઓ છે જેઓ ગૌચર જમીન ઘાસિયા મેદાનોમાંથી લાવે છે અને એનો ઉપયોગ ઔષધિઓ માટે કે શાકભાજી તરીકે પણ એનો ઉપયોગ કરે છે. આ ઉપરાંત બહેનોને વન્યજીવોનું પણ ઘણું જ્ઞાન હોય છે. બહેનો પોતાના માલ લઈને માલધારીઓ જંગલમાં કે વીડમાં કે એ રીતના રહેતા હોય અથવા તો પોતાનો ગાય ભેંસ ઘેટા બકરા એમનો માલ લઈને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જ્યારે તેઓ જાય છે ત્યારે એમનું કુદરત સાથે કનેક્શન હોય છે, તો એમને ઘણા વન્યજીવોનો પણ સામનો કરવો પડે છે, જેમ કે વરુ, નાર, શિયાળ, દીપડા, જંગલી બિલાડી, જરખ, તો આ બધા સાથે એમનું કનેક્શન હોય છે. તો ભાઈઓ એ પ્રાણીઓને જાણે છે, એના સિવાય બહેનો પણ એનો જ્ઞાન ધરાવે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. અમે બહેનો સાથે મેં રેશમિયામાં ઇન્ટરવ્યુ લીધું હતું ત્યારે કંકુબેન માલધારી કોમ્યુનિટીના બેન છે, તેઓ જ્યારે નવરાત્રિના સમયે તેઓ પોતાનો માલ લઈને ગામથી થોડે દૂર વીડ છે એમાં પોતાનો માલ રાખે છે,
તો કંકુબેન નવરાત્રિના સમયે ગામમાં નવરાત્રિ જોવા રમવા માટે આવ્યા હતા, અને ગામમાંથી જ્યારે તેઓ પોતાના જે રહેઠાણ છે ત્યાં વીડમાં જતા હતા ત્યારે રાત્રિના સમયે તેમણે જરખને જોયું હતું, તો અમે આ એનું ડ્રોઈંગ બનાવ્યું છે. નેક્સ્ટ. ગામ અમે રેશમિયા ગામમાં ઘણા સંશોધનના કામ કરેલા છે, તો એમાં ગામના લોકો અમને કહે છે કે આજે અમે ગામમાં આ પ્રાણીને જોયું, આજે અમે ગામમાં આ જંગલી જનાવરને જોયું, આ ગામમાં નુકસાન થાય છે કે આવી રીતના આવા પ્રાણીઓ અહીંયા આવ્યા છે. તો ગામના લોકો કહે છે, તો એવું ડાયરેક્ટ અમે માની નથી લેતા કે હા આ પ્રાણી આવ્યું છે, આ વન્યજીવ આમાં છે. તો એના માટે અમે એના જંગલમાં કે વીડમાં કેમેરા ટ્રેપ કરીએ છીએ, તો એમાં કેમેરામાં હાઇના આવ્યો હતો, તો એનું આ ફોટો છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. રેશમિયા ગામના વીડમાં જે કોમન છે, ગૌચર જમીન છે, તો એમાં કુવાડિયા જે છોડ છે એનો ત્રાસ ખૂબ જ વધારે છે. ગામના માલધારીઓને એવું લાગે છે કે કુવાડિયાના કારણે કોઈ બીજા ઘાસ એવા ઉગતા નથી કે જે પ્રાણીઓ ખાઈ શકે. તો એના માટે અમે એવું વિચાર્યું કે અમે આ કુવાડિયો છે એને કાઢી નાખીએ, તો એની જગ્યાએ કોઈ બીજું સારું ઘાસ થાય. તો એના માટે અમે એવું વિચાર્યું કે આપણે આ કુવાડિયો કાઢવા માટે રેશમિયા ગામની જ બહેનોને આપણે તૈયાર કરીએ, જેથી બહેનોનો સપોર્ટ, ગામના બહેનોનો જ સપોર્ટથી આપણે આ કાઢીએ, તો ગામની ગૌચર જમીન છે જે પણ સાફ થાય, અને ગામના માલધારીઓ પોતાના પશુઓને ચરાવવા માટે એમને સારું એવું ઘાસ મળી રહે, અને ગામની જે બહેનો છે એ પોતાની રોજગારી માટે પોતાનું ગામ છોડીને બીજા ગામમાં જાય છે, તો આ બહેનોને પણ ગામમાં જ રોજગારી મળી રહે. તો એના માટે અમે રેશમિયા ગામની બહેનોને ગૌચર સુધારણા કાર્યક્રમ માટે બહેનોને તૈયાર કરી હતી, અને બધા બહેનો સાથે ભેગા મળી અને આ કુવાડિયો કાઢ્યો હતો. તો આ રેશમિયા ગામની બહેનો છે જેની સાથે રહીને અમે કામ કરેલું છે, અને અત્યારે અમે પણ આ જે કોમન કોન્ફરન્સ રાખ્યું છે રેશમિયા ગામમાં જ રાખ્યું છે, કારણ કે બધા બહેનો જોવે અને એમને પણ ખબર પડે, એટલે ગામના બહેનો પણ અમારી સાથે છે. જે બહેનોએ આ ગૌચર સુધારણામાં કામ કર્યું હતું એ બધા બહેનો અમારી સાથે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે બહેનો પોતાનું ઘણું જ્ઞાન ધરાવે છે, પરંતુ બહેનોના જ્ઞાનને બહાર આવવા માટે ભાઈઓ નીકળવા નથી દેતા, એમનું જ્ઞાન ઢાંકી દે છે, બહેનો જવાબ નથી આપી શકતા. ક્યારેક અમે બહેનો સાથે મીટિંગ કરીએ તો કોઈ ભાઈ બેઠા હોય તો ભાઈ જવાબ આપી દે, તો બહેનોને બોલવાનો ચાન્સ નથી મળતો. અને ઘણા બહેનો પોતાના, ગ્રામીણ બહેનોમાં વધારે એવું હોય છે કે પોતાના ઘરકામમાં એવો વધારે વ્યસ્ત હોય છે, તો તેઓ આવી રીતે ક્યાંક મીટિંગ હોય તો બહાર આવી શકે એવી પરિસ્થિતિ ઘણી વખત નથી હોતી, જેથી બહેનો પોતાની વાત તમારી સાથે શેર નથી કરી શકતા. તો અમે એવું વિચારીએ કે બહેનોને જ્યાં જગ્યા કે જે સમય પસંદ હોય, એમને ઠીક લાગે એવી જગ્યાએ અમે એમની સાથે વાતચીત કરીએ છીએ. અને ઘણી વખત મીટિંગમાં એવું પણ થતું હોય છે કે મીટિંગમાં યુવાન બહેનો પણ હોય અને વૃદ્ધ બહેનો પણ હોય, તો વૃદ્ધ બહેનો જે હોય છે એમને વધારે ચાન્સ મળે છે બોલવાનો, જ્યારે યુવાન બહેનો વધારે બોલી શકતી નથી. તો એના માટે પણ અમે બહેનો વધારે આગળ વધે અને પોતાનું જ્ઞાન શેર કરી શકે એ માટે બહેનોને જે રીતે ટાઈમ શેડ્યુલ સેટ હોય એ રીતે અમે ટાઈમ સાથે એમની સાથે વાતચીત કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હું જ્યારે બહેનો સાથે વાત કરવા જાઉં છું ત્યારે મારા રિસર્ચમાં મને ઘણું મને સરળ લાગે છે, કારણ કે હું એક મહિલા છું અને હું અન્ય બહેનો સાથે વાત કરું છું,
તો ઘણી વખત બહેનો પણ મારી સાથે ફ્રીલી રીતે વાત કરી શકે છે, કારણ કે એમને બહેનો સાથે વાત કરવામાં કોઈ અડચણ નથી હોતી, તો એ મારી સાથે પોતાની સ્ટોરી શેર કરવા માટે મારા પર ટ્રસ્ટ કરે છે. અને ખાસ કરીને હું આ જે વિસ્તારમાં કામ કરું છું એ જ વિસ્તારની હું નજીકના વિસ્તારની છું, અને હું પણ પોતે એક માલધારીની દીકરી છું, તો બહેનો સાથે વાત કરવામાં મને વધારે સરળતા રહે છે અને બહેનો વધારે મારા ઉપર ટ્રસ્ટ કરે છે. મારા પપ્પા હાજાભાઈ એ સોશિયલ વર્કર છે, મારા પપ્પાએ પણ સામાજિક કાર્યોમાં પોતાનો ફાળો આપ્યો છે, અને જેમાં ખાસ કરીને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સાયલા તાલુકામાં એજ્યુકેશનને વધારે કરવા માટે, પહેલાના સમયમાં એવું હતું કે છોકરાઓને તેઓ પોતાના ફેમિલીમાંથી એજ્યુકેશન શિક્ષણ મેળવવા માટે વધારે પરમિશન આપતા હતા, છોકરીઓને ઓછી ઓછી ભણાવતા હતા. છોકરાઓ અને છોકરીઓની કમ્પેરિઝન કરીએ તો છોકરાઓ ત્યારે વધારે ભણતા હતા, પરંતુ મારા પપ્પા જે સોશિયલ વર્કર છે, તો મારા પપ્પાએ બહેનોનું શિક્ષણનું પ્રમાણ ઊંચું લાવવા માટે તેમણે ઘણું બધું કામ કરેલું છે, અને મારા પપ્પાની ઓળખાણને કારણે લોકો મારા ઉપર વધારે ટ્રસ્ટ કરે છે અને મને વધારે ઓળખે છે. તો આ રિસર્ચનું કામ કરવામાં હું પોતે એક મહિલા છું અને માલધારીની દીકરી છું, અને આ વિસ્તારની નજીકના વિસ્તારની છું, તો લોકો મારી ઉપર વધારે ટ્રસ્ટ કરે છે અને મારા માટે પણ એ ખૂબ જ સરળ કામ થઈ ગયું છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. બહેનોના નોલેજને બહાર લાવવા માટે અમે ઘણા બધા કામો કરેલા છે, તો એમાં બહેનોને ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે એમને બોલવા માટેનો ચાન્સ નથી મળતો, બોલવા માટેનો મોકો નથી મળતો. ભાઈઓ પોતાનો પાવર જમાવીને બેસે છે, તો જેના કારણે બહેનો બોલી નથી શકતા, જેથી કરીને બહેનોનું સંરક્ષણ અને બહેનોના લિંગ સમાનતાનો અભાવ જોવા મળે છે. બહેનોને ઘણી વખત એવી જગ્યા જોઈએ છે કે જેઓ ફ્રીલી રીતે વાત કરી શકે. ઘણી વખત બહેનો સાથે અન્ય પુરુષો હોય તો બહેનો વાત કરી શકતા નથી, અથવા તો બહેનોને એવો પણ સમય જોઈએ છે, કારણ કે એઓ ઘરકામમાં વ્યસ્ત હોય છે, ઘરની જવાબદારી હોય છે, પોતાના બાળકોની જવાબદારી હોય છે, તો એ કામમાંથી જ્યારે એમને નવરાશનો સમય હોય છે તો ત્યારે તેઓ અમારી સાથે સારી રીતે વાત શેર કરી શકે છે. તો અમે એવું વધારે પસંદ કરીએ છીએ કે બહેનોને કયો સમય વધારે યોગ્ય લાગે અને એમના માટે જે જગ્યા પણ યોગ્ય હોય એ અમે વધારે પસંદ કરીએ છીએ, કારણ કે બહેનોનો સમય અને જગ્યા વધારે જોવું પડે છે, જેથી કરીને બહેનો પોતાની વાત કોઈ પણ પ્રકારની અડચણ વગર અને ખુલ્લી રીતે શેર કરી શકે છે અમારી સાથે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. મારા રેશમિયા અને ગુગળિયા ગામમાં જે આ હું રિસર્ચ કામ કરું છું, બહેનો માલધારી માઇગ્રેશન કરતા બહેનો સાથે કે જૈવ વિવિધતા સાથે જોડાયેલા બહેનો સાથે કામ કરું છું, તો એમાં મારી સાથે મલાઇકા, સુરેશભાઈ અને ગોવિંદભાઈનો ખૂબ જ સપોર્ટ રહ્યો છે. થેન્ક યુ. कुंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू. आपने बहुत विस्तार में सब कुछ समझाया है। हम चाहेंगे कि मनिया जी आप थोड़ा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उनको बताएं। तो हिंदी चलेगा या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इंग्लिश ज्यादा है, तो फिर मैं कुछ एक लैंग्वेज में. ठीक एक बार हिंदी में आप बताएं तो ठीक रहेगा। है, ओके. तो कुजन एक रबारी कम्युनिटी से आती एक मालधारी बहन है, जो सहजीवन संस्था जो कि भुज में रजिस्टर्ड है, और अभी कच्छ और सौराष्ट्र में बहुत सारा मालधारियों के साथ मालधारियों की जीवनी और उनके सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स और जो उनका चर्यान विस्तार है, जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं, रेंज लैंड्स हैं, जिसके अंदर जैव विविधता बहुत होती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है, उनके संरक्षण के काम से जुड़े हुए हैं.
वहां पर वो पूजन जो है सुरेंद्र नगर में मालधारी बहनों को फोकस करते हुए उनसे लगते जितने मुद्दे हैं उनको वो देखते हैं और उनके साथ चर्यान और जैव विविधता संरक्षण के दोनों काम में संकराये हुए हैं। जो ग्रासलैंड है सुरेंद्र नगर का वो बहुत ही एक यूनिक ग्रासलैंड है जो पहले के जमाने में कंटीगुअस ग्रासलैंड जो लगातार एक घासिया मैदान का एक पैच होता था वैसा था। पर जैसा कि कुजन ने बताया कि अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। क्लाइमेट के पैटर्न्स बारिश बरसात चौमासा मतलब बरसात और ठंड सबके जो साइकिल थी वो थोड़ी बदल गई है और वो बदलने के कारण ना घास ढंग से ज्यादा हो रही है तो जानवर तो सही जो लाइफ स्टॉक है वो उसके साथ जो जंगली जानवर है उनको भी जो खुराक है जो उनका भोजन है वो पूरा नहीं पड़ता है। और इन सारी चीजों के साथ साथ और भी अन्य प्रकार के प्रेशर उसमें आ गए हैं क्लाइमेट के अलावा। वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। वहाँ पे क्ले क्ले का सैंड माइनिंग वहाँ पे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे सेरामिक इंडस्ट्रीज वहाँ पे बहुत सारा तरीके का प्रेशर है। इन सब में करने के लिए उन्होंने गांव एक गांव सिलेक्ट किया रेशमिया। रेशमिया आज वहां जहां वो बैठे हैं उनके साथ जितनी बहनें जुड़ी हैं इस काम में वो उनके साथ बैठे हुए हैं। रेशमिया में उन्होंने ये निकाला कि कैसे कैसे बहनों का जो ज्ञान है वो बाहर उतर के आए क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा था कि हर मीटिंग में हर चर्चा में पुरुष ज्यादा बैठते हैं ज्यादा बात करते हैं बहनें नहीं बोलती। तो जैव विविधता चर्यान कॉमन्स कॉमन्स कैसे बहनों बहनों का भी मुद्दा है और वो उनसे उतनी डीप कनेक्शन है उनका और उसको निकालने के लिए उन्होंने पूरा पिछले एक साल में बहुत सारा काम किया। फिर उन्होंने ऐसे समझाया कि क्योंकि फल हो गया खाने की शाक भाजी हो गई सब्जियां हो गई फायरवुड हो गया अपने पशुओं के लिए खाना हो गया चर्यान के लिए जाना हो गया इस सब तरीके की चीजें एनटीएफपी से लेके डायरेक्ट ग्रासलैंड पे डिपेंडेंस मालधारी बहनों का भी उतना है जितना मालधारी भाइयों का है और उससे कई ज्यादा भी है क्योंकि अगर घर का अर्थव्यवस्था भी वो संभाल रहे हैं तो सब्जी कहाँ से आ रही है कौन से सीजन में कितनी आ रही है लकड़ियां कहाँ से लेके आनी है ये सारा वो मैनेज करते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि उनका जो कनेक्शन है वो ज्यादा डीपर है ग्रासलैंड्स और कॉमन्स के साथ। इस चीज को करने के लिए उन्होंने इंडिविजुअल इंटरव्यूज किए उन्होंने एक-एक बहनों के साथ बैठे लंबी बात की उनको समझा। मालधारियों के माइग्रेशन पैटर्न्स होते हैं वो घुमंतु होते हैं कभी चौमासा के बाद जहाँ घास अच्छी होती है वो वहां पे बठान करते रुकते हैं उसके बाद जैसे जैसे घास कहीं सूखती है कहीं आती है तो वो क्लाइमेट पैटर्न्स के हिसाब से वो अपना घुमंतु जो प्रक्रिया है उन्होंने सदियों से जो एक पैटर्न बनाया है वो उसको फॉलो करते हुए आते हैं और उसकी तलाश में खाना और पानी की तलाश में अपने पशुओं के लिए वो मूव करते हैं। तो उससे लगते भी जो मुद्दे हैं उससे लगते हुए जो मालधारी बहनों के मुद्दे हैं और चर्याण से जुड़े मुद्दे हैं उनको करने के लिए उन्होंने एक-एक बहनों के साथ बैठक भी की उन्होंने फोकस ग्रुप डिस्कशन किया उन्होंने चर्चाएं बुलाई लोगों को जोड़ा और लोगों के साथ उनके मुद्दों पर बात किया। फिर ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन कि उनका क्या नॉलेज है वो कब जंगल में जाते हैं कौन से जंगली जानवर मिलते हैं किससे उनको कैसा महसूस होता है और अब उनके कॉमन्स की हालत क्या है। फिर जैसा कि उन्होंने बताया कि कुवाड़िया नाम का एक एक इनवेजिव स्पीसीज है वो एलियन इनवेजिव स्पीसीज है ना वो यहाँ का नेटिव स्पीसीज है और वो एक हर्बेशियस जो झाड़ से भी छोटा होता है जो घास घास के तरीके का ही एक इतना बड़ा एक इनवेजिव स्पीसीज मतलब जो बाहर से आके फैल गया है तो पूरे कॉमन्स में वो इतनी ज्यादा फैल गया है कि जो आप फोटो देख रहे हैं जिसमें बहनें बैठी हुई थी और कुवाड़िया को हाथ से निकाल रही थी वो पूरा घास की जगह वो इनवेसिव स्पीसीज है जिसको ना माल जो शीप गोट होते हैं जो बकरी और भेड़ होती है वो उसको नहीं खाती है। जब सारी घास हर जगह खत्म हो जाती है ये पूरा पक जाता है उसकी जो फड़ी कहीं गिरती है
तो जब एकदम अकाल जैसी सिचुएशन हो जाती है, जब उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, तब इस पे वो थोड़ा बहुत ग्रेज करते हैं, अदरवाइज इसका कोई उनको इम्पोर्टेंस नहीं है। जब ये था यहाँ पे, तब यहाँ पे इस पे कोई नहीं खाता था, इसको कोई ग्रेज नहीं करता। और ये सबसे बड़ा मुद्दा बहनों का भी आ रहा था कि हमारा गौचर, हमारे आसपास की जमीन, उस सब पे इनवेजिव स्पीशीज और ये कुवाड़िया इतना बढ़ गया है कि इसको सुधारने का काम सबसे बड़ा मुद्दा उनका निकल के आया। फिर उसको कैसे किया जाए, तो रेशमिया गांव की बहनों ने, बहनें और भाइयों दोनों ने पहल की, लेकिन जो एफिशिएंसी और जो काम करने की, इस तरीके का लेबर काम करने की जो एफिशिएंसी थी, वो बहनों में ही ज्यादा निकल के आई। तो फिर बहनों के ग्रुप के साथ, क्योंकि इसमें हैंड वीडिंग, मैनुअल हाथ से निकालने की बात थी, इसमें कोई इसमें इसमें बहुत पेशेंस, और इसमें क्योंकि आप घास को नहीं निकाल सकते, क्योंकि घास जो जम रही है, आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ जो विदेशी झाड़ है उसी को निकालो, आप देसी झाड़ को मत निकाल दो। तो इसको बहुत सहजता से रेशमिया की बहनों ने मिलके इसको पूरे रेस्टोरेशन के काम को किया। उसके बाद कुछ जो चैलेंजेस जो कुजन ने लास्ट में समझाए हैं कि किस तरीके की उनको मुश्किलें आती हैं जब वो बहनों के साथ इस तरीके का एंगेजमेंट करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे किसी चर्चा में बैठे हैं तो बहनें खुद बोलते हैं कि नहीं, आप हमसे मत पूछो, आप भाई से पूछो। आप भाई से, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान है वो उसको उसको इतना महत्व खुद से नहीं देते दे पाते, क्योंकि उनको ऐसा नहीं बोला गया कि आपके पास जो ज्ञान है वो महत्व का है। तो इस तरीके की उनका जो कनेक्शन है जमीन के साथ, वो उनके लिए यूजुअल है, वो डे टू डे है। वो बाहर से आए हुए किसी इंसान को लग सकता है कि ये बहुत यूनिक है, लेकिन उनको वो उनका रोजमर्रा है, तो वो उसको ना उस तरीके से महत्व देते हैं, ना उस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके एंगेजमेंट के तरीके फिर उसको अलग करने पड़ते हैं। जो दूसरी बात थी कि समय और जगह, बहनों के साथ अगर काम करना है तो, क्योंकि वो घर का सारा काम, पूरा दिन उनका इतना व्यस्त होता है, उनको उसमें से समय निकाल के एकजुट करना, एक ऐसी जगह पे लाना जहाँ सारी बहनें आ सके। अपने गांव के बाहर तो कोई भी मीटिंग नहीं हो पाता है बहनों का। तो और दूसरे जेंडर के साथ ये चीजें थोड़ी आसान है, एकदम आसान नहीं है, लेकिन बहुत, मतलब इतना आसान है जो बहनों के साथ तो बहुत ही मुश्किल है। तो वो एक दूसरी चैलेंज थी, जो समय और जो जगह की बात हो रही है उसको लेके। और जो तीसरा था कि अगर हम सिर्फ महिलाओं के साथ भी एक मोटी चर्चा, एक बड़ी चर्चा रख भी देते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जो दब जाती हैं। जैसे जो 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 महिलाएं उम्र में ज्यादा होती हैं, जिनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, वो बात भी अच्छे से करते हैं, ज्यादा करते हैं, बताते भी ज्यादा है, लेकिन जो जो कुछ तो शर्म भी होती है जवान युवाओं, युवान बहनों में। और अगर वो बहू है किसी के घर में तो भी वो कम बोलेंगे, अगर वो बेटी है और छोटी है तभी भी वो कम बोलेंगे। तो इस तरीके का जो एज, एज से रिलेटेड और इंटरनल हायरार्की होती है, जो जो सत्ता की बात करें, जो बहनों की सत्ता की भी बात करें, तो उसमें काफी प्रभावित करती है इन सारे रिसर्च को, या फिर कंजर्वेशन के काम को, या चर्यान सुधारने के काम को, जिसके अंदर हम अगर ज्ञान को बाहर लाना चाहते हैं तो। उसके बाद कुजन ने बताया, क्योंकि वो एक मालधारी है, क्योंकि वो एक बहन है, उन्होंने कहा कि वो जब वो काम करती है तो उनको फिर भी बहुत आसान आसान होता है, क्योंकि लोग उन पे भरोसा करते हैं। उनके साथ अपनी पर्सनल कहानियां, जो उनकी निजी कहानियां, निजी बातें हैं, वो उनसे खुल के बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि वो सुरेंद्र नगर की ही है, वो सायला सायला तालुका की है, तो उनको उनको ऐसे बाहर से, जैसे कोई दिल्ली से आ गया, कोई बॉम्बे से आ गया, उसको वैसे नहीं देखा जाता, उसको उसके ऊपर वो भरोसा अच्छे से बनता है। फिर जो उन्होंने तीसरी बात बोली थी कि वो एक तो वो पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने पढ़ाई की MSW तक, और फिर वो एक सोशल वर्कर जो हाजरा भाई है उनकी बेटी हैं, जिन्होंने उस विस्तार में एडुकेशन पे जो
पढ़ाई पढ़ाई के मुद्दे पे बहुत सारा अपने जीवन काल में काम किया है, जिसकी वजह से हाजा भाई काफी रिस्पेक्टेड है उस एरिया में। तो जब कुजन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या बताते हैं आप कहाँ के हो, किसकी छोकरी हो, किसकी बेटी हो, तो इन सारी चीजों से थोड़ी जो एंट्री पॉइंट और जो विश्वास और जो रैपो होता है वो आसानी से और अच्छे से बन पाता है, और वो ज्यादा डीप तक वो लोगों के साथ वो चर्चा में उतर पाती है। फिर जो लास्ट में उन्होंने इन्हीं जितना भी अपने बारे में बात किया और जो अपने काम के बारे में बात किया, उसको उन्होंने कंक्लूड किया है कि जो वुमेन की नॉलेज जो है, जो बाकी आवाजों के बीच दब जाती है, उसको बाहर लाने की जरूरत है, और जो सत्ता की हायरार्की है उसको भी तोड़ने की जरूरत है, और जो पर्सपेक्टिव मिस हो जाता है जब हम जेंडर इक्वालिटी का और इक्विटी का बात करते हैं, तो हम सिर्फ नंबर्स और पार्टिसिपेशन से नहीं गिन सकते चीजों को। हमें क्वालिटी जो माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव है उसको भी लेके आना पड़ेगा, तभी हम उसको एक होलिस्टिक जो संरक्षण के गोल को अचीव करना है, तो हम उसको इसी तरीके से सामाजिक तरीके से कर पाएंगे। और अगर अच्छे से काम करना है बहनों के साथ, तो बहनों के समय और बहनों के लिए जो जगह, जो स्पेस मेकिंग का बात करें, तो स्पेस जो जहाँ पे वो आए, चर्चा करें, अपने बातों को रखें, अपने मुद्दों को रखें, अपने प्रतिभाओं को रखें, और वो एक्सप्रेशन एकदम आजाद हो, उसके लिए काम करने की जरूरत है। एंड लास्टली जो बहनों के आंतरिक सत्ता है, उनकी उनको भी कैसे हम अच्छे से अकाउंट में लें, उसको भी लाएं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसको अगर काम को एकदम मीनिंगफुल और डीपर एंगेजमेंट के साथ बनाना है। फिर उन्होंने बताया कि रेशमिया में वो जो बहनें हैं उन और साथ में वो खुद, उनको बहुत आभार है, और जो उनके फील्ड कलीग्स हैं मलाइका, गोविंद भाई और सुरेश भाई, वो उनके उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, और इसके लिए वो काफी आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आया है कुंजन जी के लिए कि वो जो स्पीसीज है जिसको हाथों से उखाड़ा जाता है, उसका कुछ बाद में उपयोग लिया जाता है या उसका क्या किया जाता है? और ये कुजन, आप इसका जवाब लेंगे? हाँ, हिंदी में बता दो। बता दो। पुवाड़िया का ऐसे बाद में यूज करते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही हम जमीन में खड़ा करके उसके और खाके जैसे उसका यूज करते हैं। गोचर जमीन में हमने एक बड़ा खाड़ा कर दिया है और उसके अंदर वो पुवाड़ियों को डाल दिया है कंपोस्ट खातर की तरह। इसमें मैं ऐड करूंगी, जो कुवाड़िया है वो एक लेग्यूम है जो काफी अच्छा नाइट्रोजन फिक्सर होता है, ठीक है? तो जो एक्सपेरिमेंट फेज में ये है कि निकालने के बाद उसको कंपोस्ट मेकिंग में यूज किया जा सकता है, लेकिन उसमें वाटर, और क्योंकि वो इतना छोटा होता है, बहुत सारा मटेरियल निकलने के बाद भी जो कंपोस्ट का क्वांटिटी होगा वॉल्यूम के सेंस में वो काफी कम हो जाएगा, तो जिसका कोई मार्केटेबल यूज नहीं है, इसलिए उसको उस बायोमास को फर्टिलिटी के लिए ग्रासलैंड में यूज कर देते हैं, ऐसा एज सच उसको उस पे मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुंजन जी के पीछे कुछ महिलाएं बैठी हैं, तो वो भी कुछ कहना चाहती हैं, कह सकती हैं। मंजुमा, इन सबको बोल दो हाय बोलने के लिए। कि ये गांव में जो ये सब काम हो रहा है, कैसा लग रहा है, इसके बारे में बता सकते कुछ हैं? जाति में ही बोल सकते हैं। हमने बहुत हारू लागी, हमने कुआड़ो काटियो ने बहुत मजा आई, हमने अने हमारे कांच करे खन्नो थई गयो माल ने सरे यो। હવે બોલવાનું તો પછી આવે
हाँ तुम सालों को आपका लिया। क्या मारा नाम मंदिर नाम है? अच्छा, आप बोल कुछ कहना चाहते हो साथ में? जोशना असली तो कुआर हो गए जो ही तुम घास मार सरे काट आनो लाग गए मजा आएगी। અમે તો એમ કે કાયમી આવી આલે ને દાડી તો બહુ મજા આવે એટલે બારે માં ક્યાં જવાનું ના રહે પછી ગામમાં કામ હાલતું હોય અને કામ કર્યા વગર કઈ થાય નહીં મજૂરી હાલે ને અમારી તમે આ કુવાડો કઢે તો માલ સરે અને એમાં અમારે જે વસ્તુ થતી હોય થાય બધી एक चीज ठीक है कुछ एक चीज जो मैं प्रेजेंटेशन का ब्रीफिंग में भूल गई, जो गांव में महिलाएं हैं वो जो वेज लेबर होता है उसके लिए गांव के बाहर जाती हैं, किसी फैक्ट्री में जाती हैं या किसी और चीज के लिए जाती हैं। जो कॉम्पोजिशन ऑफ विलेज है वो इस वर्ग जो है वो काफी ऐसा है जो दिन दिहाड़ी पे ही काम करते हैं। तो जो अभी इन्होंने जवाब दिया कुजन, उसको कर दो हिंदी में। वो लोगों ने बोला कि कुवाड़िया निकालने से उनका जो गोचर की जमीन है उसमें कुवाड़िया निकला है तो उसमें घास भी अच्छा आया है तो गाय भैंस को खाने के लिए भी अच्छा घास मिला है और ये बहनों को भी रोजगारी के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता था तो अभी गांव के बाहर जाना नहीं पड़ रहा और गाँव में उनको रोजगारी मिल गई है। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गांव के अंदर ही काम मिल रहा है, बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। और ये काफी अच्छा है कि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब हम घर से निकल के बाहर जाते हैं और हमें हमारे गांव के अंदर ही काम मिल रहा है, तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो भी साथ में निभती रहती है और हमें काम का सही दाम भी मिलता रहता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी और मन्या जी, आप दोनों का और साथ में आपके साथ में जो साथी बैठे हैं उन सभी का, कि आपने एक सफलता की कहानी सुनाई है और जो हमें काफी प्रेरित करती है। और मानते हैं कि सारे ही राजस्थान और गुजरात और जहाँ से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं सभी इसको सुनते सुन के एक प्रेरणा लेंगे। थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू। यू। इसी के साथ हमारे साथ में कार्तिक जी जुड़ गए हैं। सलोचना जी आप जुड़ गए हैं साथ में? हाँ, गुड मॉर्निंग कृतिका, गुड मॉर्निंग सर। सुलोचना आदि जुड़ गए हैं, अभी आके जस्ट पहुंचे हैं क्योंकि अभी बहुत जोर से बारिश हो रहा था। तो अच्छा क्या हम शुरू करेंगे अभी? हाँ हाँ आप शुरू कर सकते हैं। जी, तो हमारे साथ सुलोचना जुआंगो, है जो एक्चुअली केंदुझर एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा है, नॉर्थ साइड में, तो वो केंदुझर डिस्ट्रिक्ट से है। एंड वो एक आदिवासी महिला है जो जुआंगो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एंड जुआंगो इज पीबीटीजी, एक पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जुआंगो, तो वहीं से दीदी आते हैं। और दीदी अपना जो एक्सपीरियंस है कि किसी तरह से वो जंगल बचाए हैं उसके बारे में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो कौन तो दीदी? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଲୋଚନା ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଉ ଜନ୍ତାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଗୁନାସ୍କିଆ ଆଉ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସରକାରୁ ମାନେ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯିଏ ତଳିରେ ଗନେ ଆମେ ମନା କରିଦେଉଛୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ସରକାର କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଯାଉ ବୋଲି ଆଉ କହୁଛୁ ତାପରେ ଆଉ ସେଇଠି ଟୁଲ ଆଉ ଛତୁ ଆଉ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ଗୀ ସେଇଟା ଆମେ କିସ କରିମୁ ବୋଲି ଆମ ଆଉ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ବି ମୁଁ ଅଛି କାଳିଆନ୍ଦାରୀ ଗ୍ରୁପରେ ସଭାପତି ଅଛି ଆମ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆପି କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି।
तो जंगल रे कोन असुविधा होतला केमिता आपण मानता सुरक्षा कले से विषय टिके कोंतो जंगल हमरो बडीने सेति छतु मिलिबो टुलो मिलिबो तापरे माने सगे पुलो तापरे आवे मो किसो इकि पडो होउछि जे पो हेयो गुटे टुलो सगे पुलो तापरे छतु सेठी ये किलिरी फुल सब अंबल से अंबल रु मान सार पानी ना कि विभिन्न प्रकार ना से खाने रोग नहीं बाग नहीं कि आग जंगल रे बुढ़ा अमल रु आम जो आंग संस्था ये इना सेना मान जंगल काठ नहीं कहते से काटुले आमर के बईंगा मंडिया कांगु आईया खाई जो मान बचु ना पहाड़ जंगल टाइम बढ़ी जाओ बोली आड़देनु तपना सब छतु आर्गी फुल गच बढ़ने से सर्गी फुल आसुची पुहतापुर गच बढ़ने मान बर्षा पवन सब हेने वर्षा पा हो गच को आम आप्ति कर रखीचु तापरे माने जे बने आमर ग्रुप दलनी आपति करचु सेठी जीव नहीं बोली तो कोनो गुट घटना हेतिला बाहर के लोक आस्तिले आपण ताको सुरक्षा पले हां से विषय टिके कोंतो हां बाहर आसुतिले काठो पत्थर गच को काटुतिले से बबधरा आमर ग्रुप करिकरी तापरे आम जंगल को आम सुरक्षा बढ़ेल हाँ हाथी कौन कहने के आमर जंगल कहीं नि आम जंगल आमर आपत्ति छाड़ा गच काठ नहीं आम मना कलु आम गच बढ़ेचु से कमिटी अच्छु गचर सब आपत्ति कर रखुचु जंगल विषय जंगल विषय भी मुझे चिट्ठी रही सभापति रही हाँ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମଝିରେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ ଫାଇନ କଲେ ବାହାର ଲୋକ ଯାହା କାଟୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଉ ତାପରେ ବାହାର ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଗଛ କାଟୁଥିଲେ ଗଛକୁ ଆମେ ମନା କଲୁ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ନିଆଁକୁ ନିଭେଇତେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଗଛ ବଢି ଯାଉ ଆଉ ନିଆଁ ନଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇକିରି ମିଟିଂ କନୁ ଆଉ ତୁମେ ଗଛ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସରିକାରୁ ନିଆଁ ଲଗଉ ନାହିଁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଯିଏ ପିଙ୍କା ଟାଣୁଛ ସେଇଠି ଚରେଇ ଗନେ ଆଉ ତାପରେ ପାଦି କରିଗନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମର ନିଆଁ ଲଗେଇବ ନାହିଁ ପିଙ୍କା ଲଗେଇବ ନାହିଁ ଆମର ଗଛ ଚୁଟିଆ ଚୁଟିଆ ଗଛ ଆମର ବଢିଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଆପତ୍ତି କନୁ ଆଉ ଆଉ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିସ କହିଲ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଆସ ମା ମାନେ ସେବାଟି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବୋଲି କହିନେ ଆମେ ବି ଯାଉ ସେମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତି ବଡ ବଡ ମାନେ ହେଇ ହାତୀ କେଦିବାର ହାଲ ଅଛି ନା କି ଆଉ ରାତି ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ହାଲ କରିକିରି ନେଇକିରି ଆଉ ଦେଖିନେ ମରେଇ ଦବୁ ଆଉ ନିଆଁକୁ ଆଉ ଆମର ଗଛ ବଢି ଯାଉ ବୋଲି ଆଉ ତ ବାହାରୁ କିଏ ଏବେ କାଠ କାଟିକି ନଉଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଧରିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଫାଇନ କଲେ ହେଇଥିଲା ନା ହଁ ହେଇଥିଲା ଯେ ଇନା ନେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯେ ଆମେ ବନ୍ଦ କଲା ଆମ ଜଙ୍ଗଲଟା ସବୁ ଆଉ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ଘାଟରେ ଜଗିନୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଇନା କେହି ନେଇ କିନ୍ତୁ ଏଇ ରଜା ରେଞ୍ଜିଙ୍କ ଖଣ୍ଡେ ଆଗେ ଏଇ ଗଛରୁ ମରି ଯାଉଛି ନିକି ତଳେ ପଡୁଛି ଯେ ସେଇଟା ସମୟ ତ ନେବେ ଆଉ ଛଡିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଲୋକ କୋଉ ଲୋକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ଗଛ ହେଲେ କେହି କାଟିତେ ଆମେ ଦେଉନାହିଁ ଗଛ ବଢି ଯାଉଛି ରହିଯାଉଛି ଏଇ ରଞ୍ଜା ରଞ୍ଜିଲା ହେଲା ଉପରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି ବଡ ବଡ ଗଛ ବା ନାଇଁ କି ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଶୁଖିଲା ବେଳେ ପବନ ଆସିନି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ କୁହ ସେଇଟା କିଛି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଛ କାଟିନି ଗଛରୁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିକିରି ଆମେ ଗଛକୁ ରଖିଦେଇଛୁ ତ କେତେ ମହିଳା ଆପଣ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଛନ୍ତି
12 जन कमिटी अछु 12 जन कमिटी रे मां माने केवल अछंती हां मां माने अछु ग्रुप रे अच्छा हमर ग्रुप टा काली अंधारी ग्रुप मना अछि सुलोचना जॉइन तापरे अन्य अन्य ग्रुप रे एंती मिसिकरी रही जाइ छु हमरा देख स्लाइड प्रोडक्शन पिना ग्रुप लाकू नवीन बुडा डाकी राखी लून दउछि तापरे आउ आउ हमर जीडीओ जीडी मिली जाउछि ग्रुप मान को छड़ी भी मिली जाइछि बुधा मिली जाइछि तापरे छड़ी भी मिली जाइछि जुआंग डेवलपमेंट सोसाइटी हां हमर जुआंग डेवलपमेंट हमर जीडीओ गुनास के जीडीओ गुनास हां इना जे गुटे क्विंटल पड़ी आछि आउ एई माने हाडु रुइबा बोली हां हाडु भी मिली जाइछि से माने माने हमर जीडीओ रु इना पड़ी आइछि हे नाजी काम करूचंती हे नाजी काम समझते मुई बे जे पुआटा डाकिला बड़े चल मा जीवा कहला बड़े पड़ी आसती मुई जे गुनासिया पंचायती रे इसी ने बर भी आइछि हाँ हमर ग्रुप मान को महिला करी आउ को टाइम रे टंका तुलेबा को टाइम रे किस करबा सेठी भी मुई पंचायती भी अछि इसी नंबर रहिछे हमरा जुआंगनी आउ इन गाइछे हम हम गुनास के तो मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो जो दीदी ने बोले कि सुलोचना जुआंग वो एक्चुअली गुनासी का एक ग्राम पंचायत है केंदुझर डिस्ट्रिक्ट का जहां से बैतरणी रिवर जो है एक मेजर रिवर है बैतरणी जहां से निकली है वही जगह से दीदी आते हैं तो वो बोले कि अपने छोटे उम्र से वो जंगल के ऊपर काफी निर्भर करते हैं एंड जंगल से तरीका तरीका का जो प्रोडक्ट है लाइक वाइल्ड मशरूम काफी ज्यादा मिलता है यहाँ पर जहाँ पर दीदी आते हैं लगभग 15-20 तरीका का मशरूम वो कलेक्ट करते हैं जंगल से एंड उसके अलावा लाइक टोलो माने आई मीन बहुत सारा और भी एनटीएपी से जो जी एक बार जितने भी प्रतिभागी हैं वो साथ में जुड़े रहें क्योंकि इसके बाद में एक क्वेश्चन का सेशन होगा तो कोई लेफ्ट करके नहीं जाए हाँ कार्तिक जी आप बोल सकते हैं ओके तो बाकी एनटीएपीस बहुत सारे मिलते हैं जो खुद खाने के लिए यूज करते हैं एंड वो मार्केट में बिक्री करते हैं एंड ज्यादातर महिलाएं जंगल में जाते हैं ये सब चीज कलेक्ट करने के लिए तो वो देखे कि आहिस्ता आहिस्ता जंगल कम होता जा रहा है एंड जंगल से जो प्रोडक्ट मिलता था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है तो इसलिए महिलाओं क्योंकि वो लोग ज्यादा डिपेंड करते हैं जंगल के ऊपर वो लोग इकट्ठा हुए एंड वो एक कमेटी बनाए अपने पंचायत में अपने गांव में जो 12 लोग महिलाएं हैं और वो एक एसएचजी से आते हैं फिर भी वो कमेटी बनाए है गांव में जो महिलाओं पूरा सब गांव के लोग को बुला के मीटिंग किए कि जंगल हम लोग को बचाना है एंड क्योंकि जंगल नष्ट हो जाएगा तो जो चीज हम लोग को मिल रहा है जंगल से वो नहीं मिलेगा तो ये करके गांव में वो लोग कमेटी बनाए कमेटी में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि महिलाएं वो लोग खुद ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कि हमको माने पीरियोडिकली एक दिन में 2-3 जन जाके जंगल जाएंगे फिर से दूसरे लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा एक रोटेशनल बेसिस में उन लोग जंगल को गार्ड करना शुरू किए तो इसी तरीके के उन लोग का थोड़ा सा जो बाहर के जो लोग आ रहे थे दूसरे गांव से लोग आ रहे थे दूसरे पंचायत से लोग आ रहे थे तो ये लोग ग्रुप करके जाके उसी गांव में या दूसरे गांव में जाके उन लोग को समझाए कि जो जंगल हम लोग देख रहे हैं तो आप वहां पर ना आइए एंड कुछ लोग को पकड़े भी जो लोग ऐसे ही चोरी छुपा के जंगल से लेकर जा रहे थे उन लोग को पकड़े एंड उसी हिसाब से उन लोग काम कर रहे हैं एंड सिर्फ वो उसी गांव के प्रेसिडेंट नहीं है उनका जो पंचायत लेवल में एक कमिटी भी बनाया गया है जंगल को लेके तो उसमें भी वो सेक्रेटरी है एंड जितने उनके पंचायत में जो भी जंगल को लेकर कुछ
प्रॉब्लम होता है या कहीं पर कुछ कंफ्लिक्ट होता है गांव गांव के बीच में, उसको समाधान करने के लिए दीदी आगे आती है। एंड उसी प्रोसेस में वो लोग एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व किए, डिपार्टमेंट लोगों को, क्योंकि कभी कभार ये होता था कि क्योंकि वो काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है तो बाहर से कुछ माफिया लोग आते थे वहां पर काटने के लिए, करने के लिए विथ सम आर्म्ड पर्सन आते थे, तो इसलिए वो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसे प्रोसेस में इन्वॉल्व किए, उनको बुलाए, हर मीटिंग में बुलाते हैं, उनके साथ बात करते हैं। एंड वहां पर क्योंकि वो पीपीटीज एरिया है, माइक्रो प्रोजेक्ट एरिया है, वहां पर जुआंग डेवलपमेंट एजेंसी भी काम करते हैं, तो जुआंग डेवलपमेंट एजेंसी को भी वो अप्रोच किए एंड उनकी तरफ से भी बहुत सारे सपोर्ट उन लोग को मिला, लाइक उन लोग कुछ एग्रीकल्चर इनपुट उनको दिया गया ताकि वो लोग थोड़ा सेटल्ड वे में काम करें, जंगल के ऊपर ज्यादा लोग ना जाए, तो इसलिए वो लोग वहां पर उनको जैसे कि पोटाटो का कुछ एग्रीकल्चर के लिए या दूसरे ऑफ फार्म लाइवलीहुड के लिए वहां पर उनको दिया गया, वो लोग काम कर रहे हैं। एंड ये आशा रखते हैं कि जंगल को जैसी तरह से महिलाएं सुरक्षा दे रहे हैं तो आगे भी ये चीज जारी रखेंगे। एंड उसको जो एक दो जगह में जो लोग शुरू किए हैं वो एक बड़े इलाका में वो अपना एफर्ट को लेकर पहुंचाएंगे, तो यही चीज दीदी शेयर कर रहे थे। एंड हाँ, और एक चीज जो बोल रहे थे बहुत इम्पोर्टेंट चीज की, फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में आग लग जाता था तो बहुत सारे जगह में क्या होता था कि जंगल जल जाता था बहुत सारे जगह में, तो ये कारण जो एक मेजर कारण उसका था कि जो लोग जाते हैं जो गाय भैंस लेके जाते हैं जंगल को, वहां पर बीड़ी बीड़ी लगा के डाल देते हैं तो पूरा जंगल आग लग जाता है। तो फिर महिला है उसी गांव में नियम किए कि कोई भी जो जा रहा है गाय भैंस लेके जंगल में वो किसी तरह से वो बीड़ी ना लगाए वहां पर जंगल में, किसी तरह से वो आग ना फेंके, तो उनके लिए भी वो लोग काफी मेहनत किए हैं गांव लोगों को समझाने में। एंड गांव का नियम भी बनाए हैं, दीदी बोल रहे थे कि एक नियम भी बनाया गया गया है कि कोई लोग जंगल को आग लेके नहीं जाएंगे, एंड अगर वो देखते हैं कहीं पर आसपास के जंगल में आग लगा है तो इमिडिएटली वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, खुद ही तो गांव के लोग जाते हैं मगर बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं ताकि वो ज्यादा स्प्रेड ना हो पाए एंड कम से कम जो है जंगल वो आग से जले एंड उनका जो जंगल है जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो सेफ रहे, तो वो भी एक इनिशिएटिव जंगल बचाने के लिए लोग ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुलक्षणा जी और कार्तिक जी, आज तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर वो आए हैं और भीग भी गए सुबह आने से पहले। उसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, साथ ही जो हमारे साथी जो जुड़े हैं अगर उनके कोई सवाल है तो रेज हैंड कर सकते हैं। आप इस सत्र में जुड़े रहिएगा, इसके बाद के अंदर एक साथ क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होगा जिसके अंदर सभी सवाल जवाब किए जाएंगे। इसी के आगे हम अगली प्रेजेंटेशन के अंदर अंजना जी जुड़ गए हैं तो, और कीर्तन जी, कीर्तन जी जुड़ गए हैं, लतिका मैम एक Q&A में एक क्वेश्चन है, सो आप डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं सुलोचना सिंह जी से। Thank you.
आपके लिए सवाल है सलोचना जी कि पेड़ों की कौन कौन से प्रजाति जो वहां पर मौजूद है जो जनजाति के लिए एक पवित्र कही ली जाती है। दीदी को गच्छटा को लोक माने पूजा करते हमरा सालरा यो बड़ बड़ सालवा गच्छ हां सालवा गच्छ रे सेठी ठाकुर आवरण होचते सेठी करते तापर सेठी जदी मा जदी तार गुटे हेबो ने ई बल पत्र आमे कहजो सेटा को पत्र माने इंति पत्ररा उठिला बळे हेबो तापर इंति मिले सेई पत्र नुठी आइ जा सेठी होचे ना एटा साळ गच्छ बोली साळ गच्छटा से पड़ी जाइतिबो बड़ बड़ गच्छ होइतिबो तो ये बोल रहे हैं कि बेसिकली वो साल्ट ट्री जो है साल्ट ट्री को लोग पूजा करते हैं। उनका जो भगवान होते हैं वो साल्ट ट्री के नीचे रहते हैं और वो एक सैक्रेड ग्रुप की तरह उसको देखते हैं। तो बेसिकली साल्ट ट्री है। और इसके बाद में एक और सवाल है कि मेजर एनटीएफ एफपी अवेलेबल है डू यू दे मार्केट एनी। आमर जंगल जात द्रव्य में कौन कौन से मिले कौन कौन जंगल रो आपण माने आनंती जंगल रो प्रपोचे प हे टुलो मौलो हां मौलो सने टुलो आसुची फळ तापर टुलो तापर मौलो आउ तार ऋतु रे गुटे आसबो सर्गी फुल माने तार इंती इकरि प माने पवन आसिने धड़ी जाउची ना नै सिए तापर आउ गुटे किस पंछारे बिकंती प कुसुम तार गच भी आनी ऋतु चतु चतु दुई थर आसुच बड़ चतु गुटे आगे चुट छती पथर चुती ये विभिन्न प्रकार फुटुचे जो मेजर एंटी मीन्स है वो है साल सीड्स देन मोहुल देन चार चार सीड्स भी काफी मिलता है एंड मशरूम वेराइटीज ऑफ मशरूम मिलता है लाइक जैसे मैं शेयर कर रहा था कि 12-15 लगभग 15-20 टाइप का मशरूम मिलता है एंड दो सीजन में वो आता है तो काफी मात्रा में मशरूम्स उस जंगल से कलेक्ट करते हैं। और साथ ही एक और सवाल है कि कुछ रूल्स किस प्रकार के हैं जो जंगल को प्रबंधन के लिए जंगल के गवर्नेंस के लिए तो रूल्स के बारे में कुछ पता है क्या सिस्टम है तो आपण माने कौन जंगल पाई नियम कर चंती किमिति माने किमिति जंगल को सुरक्षा हबो किमिति आपण माने कौन कर चंती जंगल को इते जंगल सुरक्षाटा आउ केंतु गच तापर सेला माने निया नाइ लागि गने बड बड एते ती गचला मरि जाई ना नाइ को निया जदि नाइ माने गच निया लगैतने निबेई देने सानसान को छोला भी बडी जाउची बुढा गचला केबिते आ पवन किस ढाळ पत्र बांगि देउची बडे मरि जाउची ना नाइ बांगि गने तापर एमते बड बड सान गच बा आकुटी करने दाना से बडी गने आउरी गच माने जंगलटा माने मुठा रहि छुटिया पचवा तो जंगल न लगिया पे आपण माने नियम करछ आ कोन कोन नियम छ से जंगल माने गच काटि पार नियम करछु जंगल निया लोग निया लोग पार नियम करछु आ सेंति बण को जे जीव जोंट के चलिए कि चाओ छोरे ने तने डिया सिलु मीटर धरि धरि निया लगैबो नै बोली हमें करि पार दै छ गुरु मान में समस्त पुओ छुआ मान झील छुआ मान तो निबे नहीं पुओ छुआ मान से जी पिंका टाउन नौ ना आपको आम जैसे मीटिंग कने से मैं चलिए जी जीव जमा नि नगेब ना चुटिया बचवा बढ़ी गने जार जदि आम तो जुआंग कंटार आमको जी अन्न बड़ बड़ तासिका से मैंने घर पाँच मानने जुआंग को आमर गुटे ना कांटी जुआंग बाहरी जाऊँ पंचुआती देख ला बेल जुआंग मान घर आम जंतारी खाली तीन टा ना चार घर पाई बाबा ना आम घर पाई
ଆଉ କାଲି ଏମିତି ଯାହାର ଯଦି ଜଳି ବର୍ଷା ହବ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛନ୍ତି ଗଛ ଯଦି ମାନେ ଥିବ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପରେ କହିବ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି କରିବ ଗରିବ ଲୋକଟା ତାର ଛୁଆ ପିଲା କଣ ଟିକେ ମାନେ କଣ ଗଛରେ ରହିବେ ବୋଲି କେମିତି ଯେଉଁଠି ଗଛ ଅଧିକା ଥିବ ଶଳୁଆ ଗଛ ଆଣିବନି କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି କି 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 ଗଛ ଅଛି ବଣରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ନା ସେଇ ଗଛଟା ଦିଅ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଟା ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସିଝି ହେଇକିରି ଘରଟା ବନଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରାବାସୀ ଘର ଆମର ଚାତ ଘର ଜମା ଆସିନି ତ ଦିଦି ଚାର ପାଞ୍ଚ ଚିଜ ବୋଲେ ତ ପହିଲେ ଚିଜ ବୋଲେ କି ଯୋ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର କୁ ଲେକେ ଉନକା ନିୟମ ହେ କି ଜଙ୍ଗଲ ମେ ଆଗ କୋଇ ଲେକେ ନହି ଯାଇଙ୍ଗେ ତୋ ଓ ଏକ ନିୟମ ବନାଏ ହେ ଅପନେ ଗାଁ ମେ ଅପନେ ଏରିଆ ମେ ଦୂସରା ହେ କି ଜଙ୍ଗଲ କାଟନେ କେ ଲିଏ ସଖ୍ତ ମନା କିଆ ଗିଆ ହେ କି କୋଇ ଭି ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଯାକେ ଗାଁ କୁ ନା ପୁଛ କେ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପେଡ଼ କୁ ନହି କାଟ ସକତେ दीदी बोल रहे हैं कि जैसे कि वो लोग ऐसा भी नियम बनाए हैं कि क्योंकि वो एक आदिवासी एरिया है एंड बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में सुविधा नहीं मिले हैं एंड थोड़ा सा बारिश ज्यादा होता है या जो वाइल्ड एनिमल की वजह से उनका घर नष्ट हो जाता है कभी कभार एलिफेंट डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो इस तरह से अगर घर किसी का टूट गया या नष्ट हो गया बारिश की वजह से तो फिर गांव में ये डिसीजन लिया गया है कि अगर गरीब लोग हैं तो फिर उनको अलाउ करेंगे कि ताकि वो जंगल से लकड़ी लेके आ पाए एंड अपना घर बनाने के लिए बेसिकली तो ये एक नियम बनाए हैं एंड कुए लूट के लिए वो बोल रहे थे कि जैसे कि किसी को अलाउ नहीं है कि पेड़ को काट के कुएल लाए तो ऐसा नियम बना है कि जो जो सूखा लकड़ी होता है जो नीचे पड़ा हुआ होगा उनको बेसिकली वो कलेक्ट करके फ्यूल उनके लिए लाते हैं तो ये कुछ नियम बनाए हैं एंड दीदी बोल रहे थे कि ये अपने गांव के साथ साथ भी वो एक पंचायत लेवल का भी एक कमेटी बनाए हैं ताकि अगर इंटर विलेज में कुछ चेस होता है तो फिर उसको किसी तरह से वो डील कर सके तो एक रिटर्न फॉर्म में है एंड एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग उनका रहता है उसी हिसाब से वो लोग जंगल सुरक्षा करते हैं। सलोचना जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और भी सवाल हैं पर ग्रुप डिस्कशन के अंदर बाकी सवाल लिए जाएंगे। हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पर जाते हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं अंजना जी और उनके साथ में कीर्तन जी। तो आप इसके बाद में अपना सफलता की कहानी प्रस्तुत कर सकते हैं। आवाज आ रही है? अंजना जी नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते कीर्तन जी, आप शुरू कर सकते हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट पे हमारा काम चल रहा है फीस का और मंडला डिस्ट्रिक्ट में हम बिछिया ब्लॉक के जो कान्हा नेशनल पार्क है उसके फेरी फेरी में हमारा काम चलता है और वहां पर जो फॉरेस्ट है जिसका निस्तार गांव वाले करते हैं लेकिन उनके पास जो उनका जो पट्टा होना चाहिए निस्तार पत्रिका वो नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को तो उसी के लिए थोड़ा हमारे अंजना दीदी जो साथ में बैठे हैं वो प्रयास किए हैं समुदाय को लेकर दीदियों को लेकर तो अपना अनुभव बताएंगे। जी आप सभी को मेरा नाम अंजना है, अंजना मरकाम है। मैं ग्राम कटंगामाल पंचायत कटंगामाल सी हूँ और मैं कृषक महिला हूँ जो अपने गांव स्तरीय में जो हमारे गांव में पर्यावरण समिति जो बनी है एक एफएस के मध्यस्थता से उसमें मैं सदस्य हूँ उस समिति का। और मुझे सबसे पहले तो ये उतना जानकारी नहीं था कि
जंगल तो हमने जंगल से तो हम निस्तार करते ही जा रहे हैं, पर ये नहीं था कि हमको जंगल का पट्टा जो अधिकार पत्र है वो मिलना हमके लिए हमारे लिए कितना आवश्यक है। पर धीरे धीरे हम जब ग्राम मित्र दीदी जो थी वो हमारे महिला सभा लेना शुरू की, गांव की महिलाएं कुछ दीदियों के साथ हमने बैठक करा और बैठक करते करते हमें जानकारियां देने लगी धीरे धीरे अपने खेती बाड़ी के संबंध से, फिर अपना किचन गार्डन और ये सब, फिर हमसे महिला सभा में ही हमको जानकारी मिला कि जंगल के लिए हमें जो निस्तार हम जंगल का कर रहे हैं उसके लिए हमको पट्टा मिलना, उसका अधिकार पत्र मिलना बहुत जरूरी है। तो इसमें तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि हमको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, गांव के लोगों को समझाना, गांव में दीदी हैं बुजुर्ग हैं अपने पारिवारिक में भी, तो उठने बैठने में भी हमको बहुत परेशानी होती थी कि जैसे परिवार में हमसे बड़े हैं तो उनके साथ हम बैठ के कैसे बराबरी से बातचीत कर सकें इस तरह। फिर भी हमने हिम्मत जुटाया और अभी धीरे धीरे देखा जाए तो बीते से लेके हम जंगल जो तो जाते जाते हैं, पर जो हमारा जो गांव में बताते हैं बुजुर्ग लोग कि हम इतना किलोमीटर, जैसे हम 15 किलोमीटर से भी आगे हम जंगल का निस्तार करते थे पर सरकार ने उन्हें कब्जा कर लिया है तो हम नहीं जा पा रहे हैं। हमारे घरेलू जो निस्तार के लिए है वो हम यानी जो उपयोग है घर बनाने हेतु लकड़ियां, फिर अपने खेतों के लिए हल बखर वगैरह वो हम मजबूत लकड़ियां नहीं बना पा रहे हैं, जलाऊ लकड़ी तो मिल पा रही है पर जो हम घर के और बहुत से हैं जो हमारी जरूरत है वो चीज हमको पूरा नहीं मिल पा रहा है, जंगल बहुत दूर हो गया है। इस ऐसे हमको बातें गांव में मिलने लगी तो हम गांव में दीदियों के साथ विशेषकर हम महिला सभा में ही ये बात रखती थी, हमसे बोले ना एफए संस्था द्वारा जो पर्यावरण समिति है उसमें हम समिति के जितने जो सदस्य हैं वो हमसे जानकारी हमको जानकारी देने लगे कि जंगल अधिकार पाना है यानी जो जंगल हम निस्तार करते हैं उसके लिए आपको पट्टा बनवाना जरूरी है, तो वो हमें समझाते रहे। तो हम वही बात लेके हम जो पर्यावरण समिति के सदस्य हैं उन्हीं में से हम जो महिलाएं दीदी थी वही हमने उन बातों को अमल किया कि हाँ सही में वाकई में, क्योंकि धीरे धीरे सरकार जंगल को अपने अधीन लेते जा रही है, अगर आने वाले पीढ़ी में अभी से हम हमारे समय से ही हम यानी इतना जंगल से हम विलुप्त हो रहे हैं, जो अपने जरूरतें चीज हैं अपने पारिवारिक अपने जीवन यापन जीवन कर रहे हैं उसी से हमें अभी जो धीरे धीरे हमें घटक हो रही है, तो क्यों ना हम गांव में ये बात तो को रखें। तो हम दीदियों ने मिलकर ही हम महिला सभा में ही ये बातों को हमने अमल किया और हम एक संगठन है जो महिला सभा की दीदी हैं जो अपने टोला स्तरीय से उन सभी दीदियों को हम ये हमने फैसला लिया और निर्णय बनाते हुए हमने कहा कि नहीं हमको जंगल का अधिकार पाने के लिए उसका दावा लगाने के लिए जो उसकी प्रक्रिया कैसे हमें मिलती है ये बात हमने टोला सभा स्तरीय में रखी, और टोला सभा में रखते हुए हमने पर्यावरण समिति के मध्यस्थ जो सीआरपी हैं हमारे साथ ग्राम मित्र दीदी हैं उनके द्वारा से हमने अपने ऑफिस तक हम जाके उनको बात रखी, तो उन्होंने हमें ट्रेनिंग ट्रेनिंग के मध्यस्थ से हमें समझाया जानकारी दी, हमने ट्रेनिंग लिया है कि सामुदायिक दावा भरने के किस तरह से भरा जाए, तो उन्होंने हमें एक फॉर्म जो दिया गया तो वो फॉर्म को हम भरते भरते वैसे तो हमें ये इतनी आसानी नहीं हुई क्योंकि बहुत से हमको परेशानी होने लगी, गांव में कुछ दीदी हैं जो समझती थी कुछ माताएं हैं तो वो समझती थी नहीं तो और बाकी हैं तो डायरेक्टली ही वो हमसे मना कर देती थी, क्या दावा लगाओगी क्या अधिकार पाओगी, ये तो हमारे पूर्वजों का ही जंगल है हम निस्तार करते आ रहे हैं ऐसा उन लोग बोल रहे थे, ये पट्टा वट्टा कहाँ से मिलेगा जंगल का पट्टा, तो बस जो
पत्र है वो बस हमारे जो जमीन हम जो कब्जा कर रहे हैं, जो हम खेती बाड़ी ही कर रहे हैं, जो हमारी फसल उगाते हैं अपने पारिवारिक जीवन, उसी का ही पट्टा मिलता है। जंगल का कैसा पट्टा मिलेगा, कौन है जो पट्टा देने वाला। इस तरह से हमको बहुत से बातें सुनने को मिलती थी। लोग एकत्रित होने के लिए नहीं होते थे, बैठक जो हम बुलाते थे तो बैठक में नहीं आते थे। कई तो ऐसे हैं कि जैसे मरीच कटंगा में तीन टोला है, तीन मोहल्ला है, तो तीनों मोहल्लों में ऐसा होता था कि एक मोहल्ला से एक मोहल्ला को हम बहने तैयार करते थे जागरूक के लिए, तो दूसरे मोहल्ले के लोग नहीं आते थे। और ये दावा भरने के लिए हमको तो पूरा कटंगा एक पूरा गांव का ही हमको जरूरी था, क्योंकि पूरा जैसे हमारे कटंगा गाँव में तीन टोला है तो तीनों मोहल्ले के लोग ही तो एक ही जंगल का निस्तार करते हैं, तो तीनों मोहल्ले के लोगों को बैठना अनिवार्य था, क्योंकि हमको दावा भरने में भी बहुत सी उसमें प्रक्रिया था, जैसे बुजुर्गों का कथन बनाना, फिर वो गांव कब स्थापना हुई, किसने किसके द्वारा ये गांव ने गांव बसाया गया ऐसा, और फिर वो दावा फॉर्म में हमको जितने जो गांव के मताधिकारी हैं यानी वोटर जो वोट डालने वाले, उन सभी का उसमें नाम दर्ज होना, उनका सी उनका साइन होना, फिर अपने जो पड़ोसी गांव हैं जो हमारे हमारे गांव से लगे लगे हैं, और उनको यानी उन लोग भी जैसे हमारे पंचायत में चार गांव है तो चारों गांव ही हम एक ही जंगल का निस्तार करते हैं, तो वो सभी चारों गांव के लोगों का भी हमको सहमति पत्र भी लेना था। फिर इसके लिए भी हमको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। हम मैं अपने गांव में मेरे साथ मैंने पांच दीदियों को सबसे पहले जोड़ी की दीदी अपने को जंगल बहुत ही जरूरी है। हमने गांव में माताओं को समझाने चाहा, जैसे भाई लोग हैं पिताजी हैं वो तो ध्यान नहीं दे रहे थे, कोई तो कभी तो हमको इतना डांट भी सुनना पड़ता था कि क्या लड़कियां आज के आए लड़कियां तुम हमको सिखाने बैठी हो, हम तो हमारा तो पूरा कहना चाहिए पीढ़ी ही कट गई, हम जंगल से ही निस्तार कर रहे हैं, ऐसा समझने के लिए तैयार नहीं होते थे। पर जो अभी हमारे साथ ही जैसे हमारे घर के हमारे पति हैं जो उन्होंने हमें सहारा दिया, हमें साथ दिया और साथ में फिरा, और जो जितने जो हम दीदियों की एक हमारी जो समिति हमने बनाई है अलग से गांव में, जैसे हमने 10 दीदियों का एक जो वन अधिकार समिति हमने बनाई है, तो मैंने उन वन अधिकार समितियों से भी जिसमें दी हम 10 दीदी हैं और भाई भी हैं उसमें, हमने उन वन अधिकार समितियों से कल हमने चयन ही किया और उनसे कहा कि भैया आप भी हमें साथ दीजिए और आप भी देखिए वन अधिकार समिति के तो अपन सदस्य हैं, क्यों ना हम गांव के लिए, अरे हम भले अपना तो काम करते हैं पर क्यों ना हम गांव के लिए अगर कुछ करें तो चलो अपने अपना ही भलाई होगा, साथ में अपने गांव के लोगों की भलाई होगा, ऐसा हमने बात उनको रखी तो वो समझे और वन अधिकार समिति ही साथ में हमें बहुत सहयोग भी दे रही है। और साथ ही देखा जाए तो हमें वो जो हमें हमने जो दावा फॉर्म लेके आया गांव में, फिर हमने महिला सभा में बात रखते रखते हमने एक टोला सभा भी हमारे यहाँ हर महीना होता है, पर टोला सभा में भी लोग ध्यान नहीं देते थे, बार बार ही हमको यानी शांत रह जाना पड़ता था, कि फिर भी हम हिम्मत में नहीं हारी, मैं बहनों को बोली नहीं यार अपन अपन हिम्मत यानी पीछे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने आने वाले बच्चों के लिए है और स्वयं अभी अभी अपन जब तक जीवित हैं तब तक हमारे लिए जंगल तो है ही और आने वाली पीढ़ी के लिए, इसलिए अपन पीछे कभी नहीं हटेंगे। इस तरह से हमने बात जो हम ये वन अधिकार समिति की जो हमारा संगठन था ना, हमने संघर्ष जारी रखते हुए हम अभी ये करते करते ये अभी हम 2022 से हम ये संघर्ष करते आ रहे हैं, और अभी जो हमने अपना एफएस संस्था पर्यावरण समिति के मध्यस्थ से जंगल की जो जो हम निस्तार करते हैं, जंगल हम जहां तक हम निस्तार जाते हैं वहां वहां तक के लिए हमको नक्शा नजरी बनानी है सर,
मैपिंग। हाँ, जो मैपिंग बनाने में हमारी सहयोग की एफपीआई संस्था ने, और मैपिंग बनाने बनाने के बाद उसमें जो चिन्हित करना है कि कौन कौन सा हम वहाँ का निस्तार करते हैं, जैसे नदी नाली हैं तो उनका हमने नाम दर्शाया, फिर जंगल में जो नाम हमने, जैसे हमारे इधर जो जंगल में नाम है, नामों से पुकारा जाता है कि ये लाल माटी है, फिर ये झोड़ी वाला है, इस तरह का जो नाम है वो नाम हमने उस मैपिंग में दर्शाया गया, जो गांव की ग्रामवासी और वन अधिकार समिति की मध्यस्थता से मानचित्र बनाया गया, उसमें नाम दर्शाया गया। फिर दर्शाते हुए कि मवेशी चारागाह कहाँ से कहाँ तक चराई जाती है उसका नाम, फिर जो गौठान है उसका नाम हमने दर्शाया, तेंदुपत्ता जो हम तोड़ने जाते हैं, फिर महुआ जो हम बीनने जाते हैं, फिर गांव का जो जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी से लेके चार चिरौंजी जो भी हमारे निस्तारिक है वो हमने पूरा उसमें चिन्हित करा के हमने वो दावा में लगवाया गया। फिर उसके बाद हमने पूरा गांव का है जो जितने लोगों का हमने सील उसमें साइन चाहिए, तो पूरा गांव वालों का हमने उसमें नाम नामांकित कराया, फिर उनका साइन लगवाया, फिर बुजुर्गों का कथन हमने उसमें दावा फॉर्म में लगवाया, फिर उसके बाद उसमें है जो हमने पंचनामा बनवाया, फिर पड़ोसी गांव से भी हमने समर्थन पत्र उनसे बनवाते हुए उनका साइन करवाते हुए, फिर ये सब हमने कंप्लीट करने के बाद फिर जब हम ग्राम सभाओं में ये बात रखने लगी तो ग्राम सभाओं में तो और जाके ही हम हो गए कि जो ग्राम सभा में हमने बात रखी तो हमारी पंचायत से तो सरपंच जी सरपंच महोदय ने डायरेक्ट कह दिया कि हमको तो इसकी जानकारी नहीं है, फिर भी कहे क्यों जानकारी नहीं, जबकि वन अधिकार समिति तो अपने लागू है कानून के तहत में, तो हमको तो जरूर हमने सुना है, जानकारी ली है, इसीलिए तो हम ये दावा आपसे लगा रहे हैं। तो उन्होंने बोला दिखाओ, तो हमने जो दावा तो हमने कंप्लीट कर ली थी तो वही दावा हमने ग्राम सभा में दी, तो फिर ग्राम सभा में हमारा प्रस्ताव पारित कराया गया, प्रस्ताव पारित किया गया और हमने ग्राम सभा में पूरे ग्राम वासियों के साथ प्रस्तावित किया है। तो अभी हमारी ग्राम सभा तक ही हमारा सामुदायिक दावा का प्रपत्र अभी वहां जमा है, फिर कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली ग्राम सभा में हम फिर से उसका प्रक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि हमने जो गांव उस गांव वाले ने जो जंगल पट्टा बनवाने हेतु कहाँ तक पहुंची है या कहाँ तक गई है वो हम फिर से जानकारी लेंगे, और हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि और लगेच रहूंगी, और मेरा वन अधिकार समिति और जो ग्रामवासी मेरे साथ सपोर्ट है वो सभी हम निर्णय लेते हुए यही लगे हैं कोशिश में कि हमको जब तक अपना हमारे जंगल का पट्टा नहीं मिलेगा तब तक हम इसी काम में लगे रहेंगे। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। आपका ये पूरा संघर्ष काफी हमको जानकारी देने के लिए है, और दूसरा ये कि ये एक छोटी प्रक्रिया नहीं है, सालों की मेहनत है जो आपने बताई है, सालों साल लग जाते हैं इस प्रक्रिया को करते करते, और काफी मेहनत लगती है एक समुदाय को जोड़ना, एक पूरे गांव, एक पूरी पंचायत को जोड़ना, लोगों से अलग अलग जाके बात करना, मीटिंग करना। साथ ही कीर्तन जी, आप अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप भी जोड़ सकते हैं इसमें। मैडम, मुझे लगता है कि सारा चीज तो अपने जी बता चुकी है, वही कि वन अधिकार जो समिति है इनके गांव में थोड़ा काफी चैलेंज है, जो समितियां बनी हुई है वन अधिकार का उनको पता ही नहीं है, दूसरा इंटरेस्ट भी नहीं है कि हम ऐसा काम करें, तो वो जो इंटरेस्ट है उसको जगाना, बस लोगों को संगठित करना, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज रहा है दीदी के लिए, और इनका मेहनत रंग लाया है। जब से गांव में महिला सभा हो रही है तब से दीदियां काफी आगे आ रही हैं, और ऐसे जो सामुदायिक काम है, जो उनका अधिकार है उसको लेकर काफी सोच रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। जिनका जो व्यक्तिगत दावा जो है वो उसके लिए तो लोग अच्छा रुचि रखते हैं कि उनको अपना जो जमीन पहले से कब्जा करके रखे हैं, जिसपे खेती कर रहे हैं उसके लिए लोग लगा भी रहे हैं, और किसानों को पट्टा भी मिला है,
लेकिन अगर हम व्यक्तिगत दावा की बात करते हैं, सामुदायिक जंगल की बात करते हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि पहले से लोगों का अपना दिनचर्या है जंगल से जाना और लेके आना। भले डिपार्टमेंट की तरफ से परेशानियां होती हैं, उसको ध्यान नहीं देते। तो अभी थोड़ा सा लोग जागरूक हुए हैं, और अभी जो प्रक्रिया जिस तरह से इनके माध्यम से गांव में किया गया है, अभी 3 गांव में इन्होंने अपने मदद से, अपने पंचायत 3 गांव में कंप्लीट किया है दावा, और ग्राम सभा तक उसको जमा किए हैं। अगली ग्राम सभा में और पता करेंगे क्या अभी प्रोसेस हुआ उसका। तो आपके लिए एक सवाल आया है कि क्या गांव के लोगों को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत खेती के लिए अधिकार मिला है? ठीक हाँ, मिला है। है। इसी के साथ आप जुड़े रहिएगा, इसके बाद में जो सवाल आते हैं वो एक साथ लेंगे। हमारे साथ में उमेश जी जुड़ गए हैं और भवानी शंकर जी, आप अपना सफलता का कहानी बता सकते हैं। भवानी जी जुड़ गए क्या? हेलो हेलो मैडम, जी हमारे साथ कुछ दीदियां हैं जो कुछ सुनाना चाहती हैं गीत, तो जी बिल्कुल हमारे को बिल्कुल, आप सुना आइए। सकते अरे 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 हैं। हाँ, आप सुना सकते हैं, आपको थोड़ी आवाज तेज रखनी होगी। कर ले हो सम्मान महिला सखी के, महिला सखी के, कर ले हो सम्मान महिला सखी के। महिला ही तो पंच बने हैं, महिला ही सरपंच भैया, महिला ही सरपंच। ग्राम सभा में लेके जाबो महिला दीदी संग नारी सखी के, कर ले हो सम्मान नारी सखी के। कर ले हो सम्मान नारी सखी के, महिला ही तो बहू बने हैं, महिला ही तो बेटी भैया, महिला ही तो बेटी। के सारे काम करके देवत पेज भाजी नारी सखी के, कर ले हो सम्मान नारी सखी के। नारी सखी के, कर ले हो सम्मान नारी सखी के। बहुत अच्छा, बहुत, आप सभी की बहुत अच्छी आवाज है, काफी अच्छा लगा। आप सभी जुड़े रहिएगा। जी, उमेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? लतिका आ रही है। हाँ, भवानी जी आप ही के साथ हैं या आ, अलग से जुड़ रहे हैं? जी, वो पीढ़ी से जुड़े हैं, है ना। आप सुरेश अच्छा, जी हैं, सुरेश जी के साथ में कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं जो स्टोरी प्रेजेंट करेंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके फिर वो बढ़ाएंगे आगे। तो ठीक है लतिका शुरू करूँ मैं? हाँ, जी, आप शुरू कीजिए। सभी को नमस्कार। मैं उमेश, कोटा जिले से, भवानी शंकर एक गांव है, यहाँ की एक कहानी प्रस्तुत करेंगे अभी आपके सामने।
और उसके पहले जो है मैं थोड़ा सा कोटा माधोपुर गांव है पर प्रस्तुत करता भवानी शंकर जी माधोपुर गांव से है। पर इसके पहले मैं थोड़ा सा इस पूरे क्षेत्र में ये कहानी कोटा तक पहुंची कैसे और कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि कोटा जिले में ये पूरा कार्यक्रम पूरे जिले में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के माध्यम से चल रहा है। तो पूरे जिले के 5 ब्लॉक में अराउंड 218 राजस्व गांव में ये पूरा 218 पंचायतों में ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है और जिले से लगा के राजस्व गांव तक पूरी प्रक्रिया क्षमता वर्धन कार्यक्रम के माध्यम से चल रही है। हर एक गांव में चारागाह विकास वार्ड पंच की अध्यक्षता में चारागाह विकास समिति के गठन करने का एक लक्ष्य है और ऑलमोस्ट 50-60% ये पूरा लक्ष्य पूरा किया है। और उसे और डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया जो है महात्मा गांधी नरेगा के प्रोग्राम के माध्यम से हो रही है। तो पूरा जो फंड है डेवलपमेंट का उसके माध्यम से। तो अभी ये जो एक सक्सेस स्टोरी है जो कहानी है माधोपुर गांव की वो मैं सुरेश जी को बोलूंगा कि ये थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाएं और आप प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाएं। सुरेश जी आप जुड़े हुए हैं? सुरेश जी हेलो। हेलो। हाँ सुरेश जी वैसे मेरा नाम भवानी शंकर है, ग्राम पंचायत का वार्ड पंच हूँ। गांव माधोपुर है, हमारे गांव की चरागार है। उसमें बहुत बढ़िया काम हो रहा है, पौधा लगे हुए हैं, घास घास लगी हुई है। गांव की महिलाएं चारा काट के लेके आती है पशुओं के लिए, बट आदमियों को फैक्ट्रियों में या मजदूर काम करने जाते हैं। हमारे महिला पशु के लिए चारा काट के पशुओं को खिलाती है और बड़े पौधे लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत सरपंच ने बढ़िया काम किया है, जैसे ग्राम वासियों से के द्वारा बढ़िया काम किया जा रहा है। और हमारे गांव में 150 घर के लमसम है, दो घर ब्राह्मणों के हैं और दो घर बैरवा समाज है। और सब चारागार में चारा काट के लेके आते हैं, गांव को चारा पशुओं को चारा खिलाते हैं और गांव की महिलाएं ही पशुओं को चारा काट के खिलाती हैं। और चारों की समस्या है, गांव के पास कुल चरागाह की भूमि 2 चक में फैला हुआ है और महिलाएं चराकार का चारा काट के अपने जानवरों को खिलाते हैं। सबको नमस्कार, मेरा नाम वैशाली है और कोटा जिला ब्लॉक सांगोद और पंचायत जालिमपुरा, ग्राम पंचायत जालिमपुरा और जालिमपुरा पंचायत में एक छोटा सा गांव है माधोपुर, जिसमें 150 परिवार है और 150 परिवार है जिसमें पूरे तो राजपूती है और दो घर बेरवा के और दो ब्राह्मणों के और ज्यादातर राजपूत समाज ही है वहाँ पे। हमारे गांव में क्या है, जैसे राजपूत समाज की जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर बाहर जाने में ये नहीं, बाहर नहीं जा सकती, लेकिन गांव में क्या है, कृषि और पशु पशुओं पे निर्धारित है। तो जेंट्स तो खेती का काम करते हैं, लेकिन महिलाएं पशुओं की देख रेख करती है, उनको चारा लाना, उनको खिलाना, उनकी देख रेख महिला ही करती है। आपको चारा लाने के लिए बहुत तो दिक्कत होती थी और बहुत सी जगहों पे अतिक्रमण पे लगता था, लेकिन अतिक्रमण के लिए लेकिन महिलाओं को ज्यादातर चारे की दिक्कत आती थी। लेकिन महिलाओं ने, जैसे हमारे गांव में सरपंच ज्यादातर महिलाएं, दो तीन सरपंच जो आई जो महिलाएं आई है, जब भी गांव में कोई मीटिंग होती थी और सरपंच साहब हमारे गांव में आते थे तो महिलाएं अपनी दिक्कत उनके आगे रखती थी, तो उन्होंने उनको सुझाव दिया कि आप पंचायत में, जब भी ग्राम सभा होती है तो आप पंचायत में आओ और ये जो आपकी जो भी समस्या है तुम पंचायत में रखो।
फिर वो महिलाओं की सुन के सरपंच साहब जो पहले हमारे चंद्रकला ग्वारिया ये थी 2008 में वो थे, फिर हमारे सरपंच साहब मनोर मनवर गुज्जर ये हुए, फिर दूसरे अभी तो चंद्रकला राय का जी है। तो ये जो महिला सरपंच थे तो महिलाएं उनसे जो भी बातें करती थी तो सरपंच साहब महिलाओं की सुन भी लेते थे। तो गांव में हमने एक कमेटी बनाई जिसमें कमेटी में भगवान सिंह राठौर, भवानी सिंह राठौर, श्याम बिहारी, रमेश चंद जी रघुवंशी, श्याम बिहारी, जितेंद्र सिंह, सज्जन सिंह, प्रेम सिंह, भवानी सिंह, ऐसी बहुत सी कमेटी बनाई उन्होंने। यह जैसी उन्होंने पंचायत में पहले लिख के दिया, उसके बाद में जिस एडीएम साहब को लिखित में दे के हमारे गांव में जो अतिक्रमण हुआ था उनको हटा के चरागार की जगह उन्होंने अतिक्रमण हटा के वह चरागार हुई, और वहां पे जो नरेगा में सैंक्शन निकाल के बड़े बड़े पौधे लगा के उसमें चार दीवारी का भी काम करवाया पंचायत स्तर पे नरेगा से। तलाई भी खुदवाई, जो तलाई में से जो पौधा रोपण हुआ उसमें पानी भी डालती थी, जो ऐसे करके हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े पौधे भी हुए, और फिर उसमें चार चार इनके घास हुई उसमें। अब हमारे गांव की जो महिलाएं है 5-6 महीने तो वहां से ही चारा लाती है और अपने पशुओं को खिलाती है, भलाई कितना भी चारा हो काट के लाती है और पशुओं को खिलाती है। तो ऐसे हमारे गांव की जो समस्या है तो हमारे चराकार से हमें बहुत फायदा हो रहा है गांव में। और जो चराकार का डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पंचायत ने ग्राम वासियों ने और हमारे पंचायत ने हमारा सहयोग किया। हमारे जो गांव में माधोपुर में गौशाला खुली हुई है वह गौशाले वाले चराकार में गायें चराने की अनुमति मांगते हैं, गांव वालों ने समस्या देख के गांव वालों ने मना कर दिया, और गांव की समस्या है गांव से जानवर महिलाएं चारा कहां से खिटा के लाएगी, इसलिए गांव ने अनुमति नहीं दी और समस्या चारा की है। चारा काट के खिला सकते हो आप, चारा काट के खूब खिलाओ गौ को, कोई टेंशन नहीं है, ताकि उसमें चरागाह की अनुमति रहे। चारा तो कितना भी काट के अपने पशुओं को ले जा सकते हैं, लेकिन जिससे उसमें अगर पशु एक साथ में डाल देंगे तो चारा पूरा नष्ट हो जाएगा, पेड़ पौधा भी नष्ट हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो गौशाला बनी हुई है उसमें से जो पशु है उसको वापस छोड़ने की अनुमति हमारे गांव में जो कमेटी है उन्होंने शिकायत कर उनको जाने नहीं दिया उसमें, और महिलाएं ही काट के लाती है। हमारे जो गांव में चराकार है उसमें बड़े बड़े नीम के पौधे है, आवड़ी के पौधे है, ऐसे बहुत बड़े बड़े पौधे है। और हमारे पंचायत वालों ने बहुत बढ़िया सहयोग दिया है माधोपुर चरागार के लिए, सरपंच ने, सेक्रेटरी जी ने, और नरेगा। मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ ग्राम पंचायत जालिमपुरा में। नमस्ते। ये जो चरागाह है तो इसमें क्या है कि ग्रामवासियों द्वारा काफी सहयोग किया गया, तो पौधे बहुत बड़े बड़े हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी जिले के कोई भी आते हैं तो वो देखने आते हैं उसको, इनके इससे चरागाह से फायदा भी है, वर्षा भी होती है ज्यादा, चारा होता है तो गांव वाले चारा काट के उसमें से ले जाते हैं, तो पशु भी
अब बीच में गौशाला वाले कहते हैं कि भाई इसमें अंदर जानवर चराने की इजाजत दो। मेरे पास भी आए, कलेक्टर साहब के पास भी गए, ग्रामवासियों ने मना कर दी, भाई उसको नष्ट थोड़ी करना है अंदर से, आपको चारा चाहिए चारा ले लो, बाकी बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है उसका। चले ये 2016-17 में चारागा विकास कार्य पार्ट बी के नाम से सेंक्शन हुई थी, 17,04,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। उसके बाद फिर 21-22 में दोबारा सेंक्शन हुई है, जो भी कार्य चल रहा है उसका प्रगतिगत है, चौकीदार लगा हुआ है उसमें, दो चार लेबर उसमें कोई काम रहता है छोटा मोटा तो लेबर भी लगा देते हैं साफ सफाई के लिए, इसके लिए और कुछ हो तो बताओ। चौकीदार जो लगा रहते हैं वो भी नरेगा के थ्रू ही लगे हैं? हाँ नरेगा से, चौकीदार भी नरेगा से ही है, हर 2-5-10 लेबर लगवा लेते हैं हम, जैसे उसमें सफाई वफाई करवानी हो, कभी गांव वाले भी करते हैं सहयोग, गांव वालों का बढ़िया सहयोग है, जिससे ही वह अभी जो डेवलप हुई है तो गांव वालों के सहयोग से ही है, गांव की कमेटी भी है वहाँ। यहाँ भवानी सिंह जी से थोड़ा सा सवाल है कि ये पूरी प्रक्रिया करने में जैसे बता रहे हैं कि गांव की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना, तो वो भूमिका जैसे अभी बात आ रही थी कि नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा से चौकीदार है, जब तक फंड उपलब्ध है नरेगा से चौकीदार लगा रहेगा, उसके बाद की क्या व्यवस्था है आप सोच रहे हैं, जिस दिन फंड नहीं है महात्मा गांधी नरेगा से उस समय चौकीदार रहेगा नरेगा से, जब तक तो वो करेगा गांव वाले ही करें। अच्छा तो गांव में कोई कोई ऐसी योजना है या कोई प्रैक्टिस ऐसी है? नरेगा वाले पिस्टल चलती है सर, उसमें गांव वाले सहयोग करते हैं, उसमें गांव की ही समस्या दूर होती है। बिल्कुल, कोई और सवाल किसी का हो इस कहानी से संबंधित तो उसका स्वागत है, थोड़ा सा सवाल किसी के हैं तो आप लोग जवाब देंगे। चारे के संबंधित कोई नियम बना रखे हैं कि इतना चारा लेके जाने पर? सुबह सुबह लेडीज चारा चारा काटने जाती है, 2-3 बार सब काट काट के लेके आते हैं और पशुओं को चारा खिलाते हैं और दिन भर चरागार की देखभाल करते हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे उनकी देखभाल करते हैं और बड़े भी हैं, नीम के पेड़ हैं, केजड़ी का पेड़ है, आंवली है और हमारी चरागार देखने काबिल है, बहुत बड़े चरागार है, गांव का सहयोग है पूरा और ग्राम पंचायत का भी सहयोग है। कोई शुल्क है क्या चारे कटाई का, जितना चाहे उतना ले सकते हैं? चारा निशुल्क है सब, चारा निशुल्क है, बिल्कुल निशुल्क है चारा, गौ के लिए चारा निशुल्क है। तो प्रति व्यक्ति चारे की कोई लिमिटेशन है कि एक व्यक्ति हर घर से एक व्यक्ति ही जाएगा चारा काटने या कोई नहीं, कितने नहीं, भी नहीं सर, कोई नहीं। चारा जिसके पास पशु है चारा काटने खूब चारा काट के ला सकते हैं। तो अभी कितने महीने चारे की आपूर्ति हो पाती है वहाँ गांव की, कितने महीने कटाई? 4-5 महीने हो गए चारा काटते हैं, डेली चारा काट रहे हैं, गांव को सेवा हो रही है बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी तो 2 महीने और चारा आएंगे। अच्छा 2 महीने का अभी और चारा है आपके पास? हाँ। तो एक अंतर यहाँ पे, एक अंतर आपसे पूछना चाहेंगे कि जब ये व्यवस्था नहीं थी चारागाह खुला था पूरा, खुली चराई थी, और आज आपने इसमें नियमन किया कि काट के लेके जाएंगे, तो उसमें कुछ समय में अंतर आया क्या? जी हमारे केवल चौमासे तक चारा रहता था, बढ़िया सफाई हो रही है, चारा भी पशु को चारा भी आता है और साफ सफाई भी होती है बढ़िया, और जो चारा काटने जाती है उनसे ये कहते हैं भाई चारा साफ साफ सफाई बढ़िया बढ़िया करो, चारा काट के एक तरफ से काटो आप।
हाँ, तो मेरा सवाल फिर से मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि पहले जब खुली थी चराई तो जैसे बारिश तक चारा रहता होगा, है ना जी? अब चारा कब तक रहे? जैसे आप बता रहे हैं कि दीपावली भी नवंबर दिसंबर आ चुका है, जनवरी में भी आप कह रहे हैं कि दो तीन, तो मतलब तीन चार महीने से आज के समय में 8 महीने तक पहुंच चुका है चारा, जो पहले 3 या 4 महीने चारागार में जनवरी फरवरी मार्च तक चारा चारा मिलता है, फिर गर्मी में हम चारा बीज चारा खत्म होने के बाद नरेगा चल दिए, पेड़ पौधे की निदाई कुदाई होती है और फिर बरसात चालू हो जाती है, फिर हम उसका उसका लॉक लगा देते हैं और चारा बड़ा होते हैं और चारा काटने शुरू कर देते हैं। तो मतलब ये अंतर साफ है कि अराउंड 9 महीने का चारा हमारे पास उपलब्ध है जी, जिसमें पूरा गांव अपने जिसको जितनी जरूरत है वो लेके जाता है। हाँ अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक और, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं यहाँ पे अभी, तो किसी को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं कि कैसे आपने अपने चारागाह को व्यवस्थित किया, कैसे नियमन किया, कुछ कुछ मैसेज आप कुछ कुछ बताना चाह रहे हो अपने जो साथी आपको सुन रहे हैं, तो मैं दीदी से निवेदन करूंगा वो बताएं थोड़ा सा। जैसे हमारे गांव में पहले सर आपने पहले जो सवाल किया था कि जैसे खुली थी चरागाह, खुली थी तो उसमें आपको तो सर खुली थी तो गांव के बोलते दूसरे गांव के भी पशु उसमें जाते थे, पूरी उसको देश में कर देते थे, तो महिलाओं को तो सर परेशानी आती थी, जैसे चारा लाने के लिए भी परेशानी आती, खेती में जैसे फसल होती है तो जैसे मेर रहती उसमें से चारा कितना होगा, ज्यादा 2-3 दिन काट के लाएंगे 8 दिन काट के लाएंगे, लेकिन बाद में तो महिलाओं को दिक्कत आती थी। और फिर नरेगा ने जैसे नरेगा की तरफ से हमारी जो पंचायत में उसमें सेंशन निकाले, काम चालू हुई तो चारों तरफ से बाउंड्री भी कर दी उसको और बहुत बड़ा गेट भी लगा दिया, तो गेट को क्या जब तक लॉक लगा हुआ होता है तो शाम के टाइम कोई पशु उसमें घुसते ही नहीं सर जी, जी। और फिर एक चौकीदार भी लगा रखा है सुरक्षा के लिए, तो उसमें पशु तो घुसने का काम ही नहीं है सर, बस ये महिलाएं है गांव की जो सुबह से जाती है अपने जो सब घर में 4-4, 5-5 पशु सबके घर में सर ज्यादातर, तो वो पशुओं को चारा अपन अपने हिसाब से पांच हो सर, उसमें जंगली जानवर भी होते हैं जैसे नील गाय हो गई और हिरण हो गए, बस खरगोश जंगली सुअर ऐसे बहुत से पशु भी उसमें जानवर भी होते है, बहुत पल रहे बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से, बिल्कुल उसमें क्या है अब मेला जितना बोले उतना 4-5 फीट के ऊंचे ऊंचे घास हो रही है सर उसमें, तो मेला काट लेती है, और जैसे फिर गर्मी के दिन में जो पानी आने पानी आता है जब तो हरी घास हो जाती है, और फिर बाद में बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो खेत में भी चारा नहीं होता तो उसको खोद के भी लाती है सर, खोद लाने की वजह से क्या होता है जो थावड़ा भी सफाई होती है और चारा जो बारीक बारीक वो भी पशुओं के भी काम आता है, और जो कांटे के पेड़ होते है उसको भी काट के सफाई हो जाती है उसकी, तो उसमें क्या महिलाओं को भी दिक्कत नहीं आती चारा काटने के लिए। तो एक चीज यहाँ पे एक और बात आपने जोड़ दी जो शायद कहानी में नहीं आई, प्रश्न और मेरा था सिंपल, एक मिनट बस, है ना, मैं जो बात बोली महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे दीदी ने बोली है कि जंगली जो पशु है जो कहीं ना कहीं खेती में नुकसान करते थे उनके लिए आश्रय स्थल सुनिश्चित हुआ है और वो उसमें वहां रह के अपना पेट भर लेते हैं, तो खेती का नुकसान भी कहीं ना कहीं आपका मेरे ख्याल से कम हुआ होगा ये चारागाह विकसित होने के बाद में। हाँ सर, हमारे खेत फसल में नुकसान भी कम होने लगा, फसल में भी नुकसान कम होने लगी है, वो क्या नील गाय है वो तो खेत में भी आती है सर, अब तो क्या उसमें चर लेती है हरी घास खाती है वो भी, तो एक तो खेती वो हमारे को फायदा हो गया सर उसमें, बिल्कुल, तो जंगली पशु जो खेत में जाके नुकसान करते थे वो चारागाह में अपने बने रहते हैं क्योंकि उनके लिए वहाँ पेट भरने की जगह है, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है जो शायद यहाँ पे हमसे छूट रही थी जो आपने इनडायरेक्टली बोली। हाँ डिंपल, अभी आप बहुत अच्छा लगा सुन के, आपके कोटा में इतना अच्छा प्रयास चल रहा है, और मेरा एक बस एक प्रश्न है या सुझाव रखना चाहूंगी, जब आप बोल रहे हैं कि जब चारा काट के ले जाते हैं वो फ्री में है आप लोगों ने बताया, और साथ ही साथ आप बता रहे हैं चौकीदार के लिए महात्मा गांधी नरेगा से चौकीदार अभी है, तो क्या क्योंकि कुछ गांव में बहुत जगहों पे अनुभव रहा है राजस्थान में ही
कि जो शुल्क अगर हम चौकीदार आप गांव की तरफ से रखें, क्योंकि नरेगा हो सकता अभी चल रहा है कुछ समय में, जो अभी थोड़ी देर पहले भी बातचीत हुई, क्या हम शुल्क आप लोग मतलब कुछ अगर शुल्क लें घर प्रति चारा कटाई के लिए, तो जो पैसा इकट्ठा होगा उससे आप चौकीदार रख पाएंगे खुद, गांव उसके लिए चौकीदार की व्यवस्था कर पाएगी। तो निर्भरता की जो हम अन्य फंड नरेगा से आए या अन्य प्रोग्राम से आपके खुद के गांव के स्तर से भी ये व्यवस्था चौकीदारी की व्यवस्था की जा सकेगी, ऐसा आसपास के बहुत सारे गांव में इसका अनुभव रहा है अपने पास, तो इस पे आगे से आपके क्या क्या है, सुझाव होंगे? हाँ आगे से जब जैसे नरेगा का कार्य खत्म हो जाएगा ना ये, तो उसके बाद गांव में जैसे हर घर से 10 रुपए की रसीद काटेंगे इनकी, हर कमेटी है ही सही, तो उसके हिसाब से चौकीदार का उसका वेतन देंगे, जी पैसे जी इकट्ठे जी करके जब भी जो ही चारा लाएंगे, फिर धीरे 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 करेंगे इनको बाद में। जी, इसीलिए ये बात रखना चाह रही थी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के प्रयास से, बहुत कुछ सीखने को मिला, धन्यवाद। क्या आप घास का बीज भी इकट्ठा कर रहे हैं? हाँ? घास का बीज भी इकट्ठा कर रहे हैं क्या? घास नहीं, घास तो के इकट्ठा बीज करने की बीज की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक ही जो जो ही काटते हैं ना उसमें डलते जाते हैं और वापस बारिश आते ही हो जाती है घास, तो बीज की जरूरत ही नहीं है उसमें। इतना घास है कि दो चार गांव के भी आदमी चारा ला सकते हैं उसमें से। जी, जस्ट इसमें और सुझाव था कि जो बीज की जरूर आपके गांव में जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर ऐसा है कि इतना अच्छा चारा होता है जो आप महिलाएं इतना लेके आ रही हैं, तो क्या क्योंकि पास के गोगुंदा में हमारा अनुभव हुआ मतलब उदयपुर जिले में और कुछ जगहों पे, ये जो चारे का बीज आप लोग इकट्ठा करके अगल बगल दूसरे गांव जहां चारा नहीं अभी हो रहा है, सुरक्षा नहीं है, उनको भी बीज उपलब्ध जो महिला समूह के आलू लगू तो द्वारा आधमा लगा दूसरा ही इकट्ठा डाले करके तो बीज उनको दिया जा सकता है। आपके यहाँ तो जरूरत नहीं है, लेकिन बगल के गांव में बगल के पंचायत में ये बीज उपलब्ध हो सकेगा उनको, और छोटा मोटा इनकम भी समूह का हो सकता है, स्वयं सहायता समूह करेंगे, बाहर से आया जी। आगे करेंगे दीदी आगे। हाँ हाँ जी, सुझाव आगे ये से कार्रवाई आपका करेंगे और मेहनत करेंगे हम। जी, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, धन्यवाद। क्या महिला वैशाली जी, पीछे भी कुछ गाना कुछ कहना आपके चाहते हैं? पीछे भी महिलाएं हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं कि उन्हें ये सारा कार्य कैसे लगा, कुछ छूट गया है वो और बहुत बता सकती हैं। दीदी एक मिनट, जी, हेलो। बताएं। हाँ जी, दीदी, बोलिए। अगर चारे का बीज अगर हम इकट्ठा करेंगे तो फिर महिलाओं का जो पशु का है वो विकास रुक जाएगा, क्योंकि तो महिलाएं चारा लेकर वो डेली आएंगी अगर, तो उनका वो चलेगा घर पर रोजगार, और बीज एक बड़ा होएगा पौधा जिसके बाद में तो बीज बनेगा। हाँ जी, जो ला जो आपने बोला बहुत सही कि अंत में जब जब अभी दिवाली के बाद जो ला जब पक जाता है ना बीज, तो उसके बाद बीज इकट्ठा करने से यह है कि आपके खुद के चरागाह या आसपास के आपकी पंचायत में और भी गांव होंगे वहां लग जाता है, और दूसरे गांव में भी आप ये, क्योंकि ना सरकार महात्मा गांधी नरेगा के तहत चारागाह विकास बहुत सारे पंचायतों में गांव में करना चाहती है, और चारा का बीज भी आप भी जानते होंगे कि चारे का बीज खरीदना तो खरीद मिलता ही नहीं है चारे का बीज अच्छा क्वालिटी का, और दूसरे चारागाहों में वो लगाना चाहते भी हैं लेकिन लगा नहीं पाते क्योंकि बीज ही नहीं उपलब्ध है, तो देख सकते हैं इसका अगर सोच विचार आती है तो आसपास के गांव में जिलों में उदयपुर से भी आप कभी उदयपुर आए और अब वहां उन महिलाओं के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, तो ये उनसे भी और सीखा जा सकता है। हमारे अन्य साथी भी, अन्य प्रतिभागी भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं। सभी ने सभी का प्रेजेंटेशन देखा है, तो आपके मन में जो भी सवाल आए हैं वो आप एक दूसरे प्रतिभागी से पूछ सकते हैं, और अन्य साथी जो और भी सवाल इसके अंदर पूछना चाहते हैं वो अपना सवाल चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं, आप सीधा भी सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, तो
या कोई सुझाव देना चाहता है वो भी बोल सकते हैं। हमारे साथ गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लोग जुड़े हुए हैं। कीर्तन जी, जो आपके मध्य प्रदेश से जो महिला समूह के साथ जो बैठी हैं, अभी साथ में प्रस्तुत भी कर रही थी, आपके यहाँ पे जैसे अभी राजस्थान का आपने सुना, कोटा जिले का, तो आप भी कुछ, आपके भी कुछ प्रश्न हैं उनसे कि तो उनको भी और मार्गदर्शन मिल सकता है। तो घास वाले तो उसके लिए तो हमने अब टावर लगाया है, उनको अधिकार पत्र मिलेगा तभी हमने उसमें कुछ कर पाएंगे। अभी तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है मैडम। गुजरात से हैं क्या कुजन, क्योंकि वो भी चारागाह संरक्षण का लेके काम कर रहे हैं, गुजरात से जो साथी थे अभी हैं। तो कुंजन जी, मनिया जी जुड़े हुए हैं क्या? भी ये कुछ और कहना चाह रहे हैं क्या साथ में जो दीदी जुड़े हैं ये? कोटा से जो आए अभी, कोटा से अभी जो साथ में जुड़े हैं आप, इधर वीडियो में सामने आए, वो कुछ और भी कुछ कहना चाह रहे हो तो बताएं यहाँ पे। देखिए एक एक बात यहाँ पर निश्चित तौर से साफ है कि महात्मा गांधी नरेगा की योजना पूरे देश के लिए एक जैसी लागू है, ठीक है ना। तो कुछ समुदाय हैं, कुछ गांव हैं जो अपने क्षेत्र में इन कॉमन्स का, इन श्यामलात का, या इन चारागाहों का, या फॉरेस्ट का अच्छे से डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, और कहीं पर योजनाएं शुरू ही भी नहीं हो पा रही है। तो एक अंतर साफ है, एक मैसेज भी साफ है कि कैसे हम अपने इन संसाधनों को, उपलब्ध जो भी योजना है उससे विकसित कर सकें। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण कोटा के इस गांव ने प्रस्तुत किया है, माधोपुर गांव ने, कि कैसे चारागाहों को विकसित किया, कैसे घास को डेवलप किया, और कैसे अपनी आजीविका को सुनिश्चित किया, और जो महिलाओं को परेशानियां थी वो आज की तारीख में उनके लिए कम हुई है। उनके गाँव में चारा उपलब्ध है, वो उसको काट के लेके जाते हैं और अपने पशुओं को खिलाते हैं। तो ये कहानी यहाँ प्रस्तुत करने के पीछे मकसद केवल इतना सा है कि लोग सोचे समझे कि अपने इन मुद्दों को अपने स्थानीय स्तर पर हम कैसे हल कर सकते हैं। वही जमीन हर गांव में मौजूद है और वही नरेगा हर गांव में मौजूद है। तो ये मैसेज है क्लियर, ये एक सूचना साफ है सभी के लिए कि चाहे मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट के एफआरए के लिए बात कर रहे हैं कि अधिकार मिलने के बाद में उसको विकसित करना, उसको समुदाय अपनी देखरेख में लेना, तो और नरेगा वहाँ पे भी मौजूद है। आप लोग कोटा से कोई और मैसेज देना चाह रहे हैं तो देना। जी नमस्कार, मैं एलडीसी ग्राम पंचायत जालिमपुरा, जिला कोटा। जी जी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ भाई, हमारा चारागाह है ना जो बहुत बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, 90 बीघा का चारागाह है, तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। तो हम ये चाह रहे हैं भाई इसको और भी अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए, अगर मान लो अन्य योजनाओं से अगर कुछ हो जाए, हेल्प मिल जाए, या फिर पौधों के लिए जैसे दीमक लग रही है और लग रही है ना, खत्म हो रहे हैं पौधे धीरे धीरे, तो उसके लिए अगर कुछ और हमें कुछ सुझाव मिल जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा सर।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मतलब निश्चित रूप से आप अभी भी मतलब इतना करने के बाद में भी आपकी क्यूरियोसिटी, और जैसे आप, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, ग्राम पंचायत के सचिव महोदय भी मौजूद है, और एलडीसी जो इस पूरी प्रक्रिया को देख रही है, तो सभी का कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट है, एक रुझान है कि कैसे हमारे गाँव का चारागाह अच्छे रूप में बने। तो ये सब लोग देख पा रहे होंगे कि सारे कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, गांव के लोग सब मिलके संयुक्त रूप से अपनी इस प्रक्रिया को चला रहे हैं। तो आपने जो सवाल किया, हम वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो समस्याएं हैं, हम उनके बीच में आपकी बात, या आप भी सीधे रख सकते हैं अपनी बात जिला परिषद के थ्रू, जो बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समिति की जो बैठक होती है 3 महीने 4 महीने में, तो उस ये पूरी प्रक्रिया जुड़ी हुई है। वहाँ सुरेश जी आपके साथ में, वो बताएंगे कि कैसे आप अपनी बात आगे जिले तक पहुँचा सकते हैं। किसी और का कोई सवाल यहाँ पे प्रेजेंटर से यदि है तो यहाँ पे सवाल कर सकते हैं। सर दीमक की समस्या बहुत ज्यादा है हमारे पौधों में, उसकी दवाई बिल्कुल, एक दो बार तो दवाई लाके डाल भी दी लेकिन फिर भी दीमक खत्म नहीं हो रही सर। इसके लिए हम जो जो विषय विशेषज्ञ होंगे उनके साथ में आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी सर जी। किसी का कोई सवाल है यहाँ पे प्रेजेंटर से तो कर सकते हैं, अदरवाइज लतिका सेशन को आप आगे बढ़ाएं, या ये अंतिम सेशन है आज का? आज का अभी का पहले सत्र का अंतिम अंतिम है, तो क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, इसके बाद में फिर से हमारा सेशन शुरू होगा, तो उसके अंदर आप सभी जुड़े। आज के लिए यही समाप्त करते हैं, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपकी सफलता की कहानियां बताई हमें और हम इससे काफी प्रेरणा हमको मिलती है। इसी के साथ हम इस सत्र को समाप्त करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा नेक्स्ट सेशन 2 बजे से फिर स्टार्ट होगा नई कहानियों के साथ, तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं और रियल लाइव स्टोरीज सुन सकते हैं हमारे साथ कम्युनिटी के।